अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा राहुल ने मैदान, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो टिप्पणी की वो हमने आपको सुनवाया, और भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच में इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेश किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ईडी उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग आज अदालत में नहीं करेगी, बल्कि जो मांग की जाएगी वो न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा राउज एवेन्यू कोर्ट पर मौजूद है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? अरे भैया अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, कोर्ट में पेशी के लिए जब उन्हें ले जाया जा रहा था, सवालों का जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल ने। रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, आप वहां पर मौजूद हैं, सुनीता केजरीवाल भी सुबह से वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को भारी सुरक्षा में लेके आया गया है। सुनीता केजरीवाल भी जो पांचवा फ्लोर है राउज एवेन्यू कोर्ट का, वहाँ पे मौजूद हैं। भारी जो पुलिस बल है वो कोर्ट के बाहर भी तैनात किया गया है, और थोड़ी देर में जब पेशी होगी तो साफ तौर पे दोनों पक्षों की जो दलील होगी उससे स्थिति और ज़्यादा साफ होगी कि 10 दिन के रिमांड के अंदर ईडी ने किस तरीके की जानकारियाँ ली और क्या उन्हें फर्दर रिमांड की ज़रूरत है या फिर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल से जब पत्रकारों ने कुछ बात करनी चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पे अपनी गिरफ्तारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया था, और कल सुनीता केजरीवाल ने भी रामलीला मैदान में जो रैली थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। और वहीं मेरठ में जो जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी उसमें भी उन्होंने कहा था बिना नाम लिए साफ तौर पर भ्रष्टाचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही है। यानी कि एक तरफ से अब अरविंद केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो साफ तौर पे अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी हम बात करें तो वो सीधा बीजेपी को जो है बीजेपी का हथियार जो है ईडी को बताती है, और प्रधानमंत्री के कहने पर ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रमोद, जरा ये भी अपडेट दीजिएगा कि क्या बेंच बैठ चुकी है अरविंद केजरीवाल की पेशी और जो सुनवाई है वो क्या वो शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी जो कोर्ट रूम के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल और साथ में सुनीता केजरीवाल और उनके वकील मौजूद हैं। अभी बेंच बैठी, सुनवाई शुरू नहीं हुई है। थोड़ी देर में जो सुनवाई शुरू होगी तो उसके बाद ईडी अपना सबमिशन जो है कोर्ट में रखेगी कि अब उन्हें फर्दर कस्टडी की ज़रूरत है या अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाना चाहिए। और आप राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो उनका पक्ष रखने के लिए उनके जो वकील हैं वो किस दलील के साथ आज राउज एवेन्यू कोर्ट पहुँचे हैं? देखिए, इससे पहले इस मामले में जो है अभिषेक मनु सिंघवी या फिर रमेश गुप्ता वो वकील यहाँ पर आते थे, लगातार मांग करते थे, और अभी जो जानकारी मिली है ईडी ने कोर्ट से न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। यानी कि ईडी को अब अरविंद केजरीवाल की और ज़्यादा कस्टडी रिमांड नहीं चाहिए और अरविंद केजरीवाल को वो जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजना चाहते हैं, और इसकी मांग ईडी ने कोर्ट से की है। और ऐसे में जो अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील होंगे वो न्यायिक हिरासत के दौरान जो है किस तरीके की अतिरिक्त जो सुविधाओं की मांग है वो कोर्ट से कर सकते हैं। और साथ में तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जो कस्टडी है उसको बढ़ाने की मांग नहीं की है, बल्कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है। तो इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक ईडी ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी है, ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग अदालत के सामने रखी गई है राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। इस समय अरविंद केजरीवाल की
सुनवाई चल रही है, उनके मामले की सुनवाई चल रही है, उन्हें पेश किया जा रहा था है इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और दिल्ली के शराब नीति घोटाले का ये पूरा मामला है जिसके अंदर 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद ईडी ने उनकी दो बार कस्टडी मांगी थी, पहले 7 दिन उसके बाद 3 दिन, लेकिन अब ईडी ने उनकी कस्टडी बढ़ाने की जो याचिका है वो अदालत के अंदर नहीं दाखिल की है बल्कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब ईडी की बजाय तिहाड़ जेल के कस्टडी में जा सकते हैं, वहां पर उन्हें रखा जा सकता है, न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा जा सकता है। हालांकि अदालत का फैसला अभी आना बाकी है और ऐसे में देखना होगा कि किन इंतजामों के साथ में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी भी सामने आ रही है क्योंकि इस समय सुनवाई चल रही है 512 नंबर कोर्ट के अंदर, राउज एवेन्यू कोर्ट में। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोद, अपडेट दीजिएगा सुनवाई के अंदर अब तक क्या। बिल्कुल, ईडी की तरफ से जो पेश एएसजी राजू है उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे, जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसका सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। और ये सारी बातें कोर्ट को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि अभी ईडी को अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जुडिशल कस्टडी में भेजा जाना चाहिए, लेकिन उन्हें आगे भी जो ईडी है वो कस्टडी में ले सकती है जब ज़रूरत पड़ेगी कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। कुछ ऐसे एविडेंस जो है वो ईडी के पास आए हैं जिसको कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेकर उसके उनसे पूछताछ की जानी है। प्रमोद, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ईडी के पास अभी भी 4 दिन का वक्त है, 14 दिन की रिमांड वो ले सकती है, कस्टडी ले सकती है, ऐसे में 10 दिन के बाद 4 दिन का वक्त अभी भी बचा हुआ है, ऐसे में ईडी की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया कि उनकी कस्टडी जो है वो नहीं बढ़ाई जाएगी बल्कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। देखिए, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है, जो हमें सूत्रों से हमारी जानकारी हुई, उनका साफ कहना है कि अभी चूंकि जो 4 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए थे उसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे थे, बाकायदा एप्पल को एक लेटर लिखा गया था लेकिन एप्पल ने भी सिक्योरिटी फीचर्स का हवाला देते हुए साफ कर दिया था बिना पासवर्ड के जो है उस फ़ोन का जो डेटा आप नहीं निकाल सकते और उसे नहीं खोला जा सकता। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ईडी जो है वो चाहती है कि इन फ़ोन को किसी दूसरी तरीके से FSL में या उनसे इसको खोल के जो इस पर से डेटा है वो रिट्रीव किया जा सके, उसे जुटाया जा सके, और जब वो डेटा सामने आ जाएगा या फिर बाकी लोगों से जो पूछताछ कर रहे थे, क्योंकि इस पर कैलाश गहलोत को भी एक बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था कि अगर कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं कि उनका कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना बेहद ज़रूरी होता है, तो 4 दिन की जो कस्टडी रिमांड अभी ईडी नहीं मांग रही है उसके लिए वो कोर्ट की परमिशन से दोबारा से कस्टडी में ले सकते हैं। तो इसीलिए उस 4 दिन को जाया नहीं करना चाहती है ईडी, और इसीलिए फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग ईडी ने रही है। और ये बात साफ तौर पे जो एसजी राजू है उन्होंने कोर्ट को बताई है कि ये सारी जानकारी कोर्ट को देने का मकसद यह है कि आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की अगर जरूरत पड़ती है तो वो कस्टडी रिमांड की मांग कोर्ट से दोबारा कर सकते हैं। किसी भी जांच अधिकारी को किसी भी आरोपी की मैक्सिमम 14 दिन महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं प्रमोद, आपकी 4 दिन के लिए कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर अब भी विकल्प जो है वो ईडी के पास मौजूद है, लेकिन अगर न्यायिक हिरासत की बात की जाए तो अब ईडी के अधिकारी जो पूछताछ की प्रक्रिया है प्रमोद, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब अगर कोई भी आरोपी जुडिशियल कस्टडी यानी कि मजिस्ट्रेट की कस्टडी में तिहाड़ जेल चले जाता है और अगर ज़रूरत पड़ती है कि कुछ जानकारी जो है वो आरोपी से की जानी है तो कोर्ट की परमिशन से तिहाड़ जेल जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ती है कि अगर उन्हें कस्टोडियल इंट्रोगेशन करनी है, उन्हें कस्टडी में लेना है, तो कोर्ट की परमिशन से ही वो भी आगे मुमकिन होगा। और ऐसे में अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में जब भेजा जाएगा अरविंद केजरीवाल को, तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, अब ये देखना होगा कि केजरीवाल के वकील किस तरीके की अतिरिक्त रियायत की जो है मांग करेंगे ताकि वो जेल मैनुअल से अलग जो है कोर्ट उसके लिए अलाउ कर दे, परमिशन दे दे। और साथ में अब अरविंद केजरीवाल के वकीलों के पास रेगुलर बेल मूव करने का जो है विकल्प खुल जाता है। और ये देखना होगा, आमतौर पे कोई भी आरोपी को जो है 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, लेकिन क्या कोर्ट जो है अगर कोई एप्लीकेशन रिमांड बेल की लगाई जाती है तो उसको सुनवाई करने को लेकर है जो जुडिशियल कस्टडी वो कुछ कम दिन की कर सकती है ताकि उन्हें दोबारा से कोर्ट के सामने पेश किया जा सके। और इस मामले में अब अरविंद केजरीवाल की
के जो वकील है वो किस तरीके का सबमिशन जो है कोर्ट के सामने रखते हैं ये बिल्कुल। प्रमोद शर्मा आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फोन का पासवर्ड नहीं दिया है, ईडी की तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी गई है। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से भी मांग की गई है कि जेल में दवाएं मुहैया कराई जाएं, ये पक्ष रखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के वकील भी इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। केजरीवाल ने पासवर्ड नहीं दिया, ये आरोप, ये जो जानकारी है ये ईडी की तरफ से कोर्ट के सामने साझा की गई, और साथ ही ये भी कहा गया कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो क्या कुछ सुविधाएं अरविंद केजरीवाल को मिलना चाहिए, उसको लेकर जो उनका पक्ष है वो अरविंद केजरीवाल के वकील भी रख रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से मांग की गई है अदालत से कि उनकी दवाओं की जरूरतों को का ध्यान रखते हुए दवाएं मुहैया कराई जाएं। अरविंद केजरीवाल को ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्या है, ऐसे में साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जेल में 3 किताबें भी मांगी हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से किन सुविधाओं की मांग की जा रही है। तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में अगर उन्हें भेजा जाता है तो उस समय क्या क्या चीजें अरविंद केजरीवाल को लगेंगी, क्या क्या वो चाहते हैं, तो रुक करते हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोद, माना जा रहा है जिस तरीके से आप भी रिपोर्ट बता रहे थे इस पूरे मामले के अंदर कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकीलों का कहना है कि दवाओं की जरूरत का ध्यान रखा जाए, साथ ही 3 किताबें भी मांगी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बिल्कुल, जब किसी भी आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने की बात आती है और जांच एजेंसी को उसकी कस्टडी नहीं चाहिए होती है तो जो आरोपी के वकील हैं वो जाहिर तौर पे कुछ ऐसी मांगे करते हैं, चाहे वो घर के खाने की बात हो, कुछ दवाइयां हो, कुछ किताबें हो या फिर कोई अतिरिक्त जो है सुविधाएं उन्हें जेल के अंदर चाहिए, क्योंकि कोई भी कैदी जेल के अंदर जाने के बाद वो पूरी तरीके से जेल मैनुअल से बंद जाता है। लेकिन अगर कोर्ट की कई अलग से सुविधाएं देने के ऑर्डर जो है अपने ऑर्डर में लिख देता है तो उसे जेल प्रशासन को मानना ही पड़ता है, क्योंकि तिहाड़ जेल दरअसल एक जुडिशियल कस्टडी है, यानी जजेज या मजिस्ट्रेट की जो कस्टडी होती है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के पास ये पूरा अधिकार होता है, वो किसी तरीके की अतिरिक्त सुविधाएं जो है कैदी को जेल के अंदर रहने के दौरान दे सकता है, और उसमें चाहे लोगों से मिलने को लेकर जो है कुछ रियायत हो या फिर खाने पीने को लेकर हो या फिर उनकी दवाइयाँ या फिर जो किताबें हैं उसको लेकर हो, वरना इस तरीके की जो है सुविधाएं वो आम कैदी जो जाता है उसको नहीं मिलती है। प्रभु जरा ये भी स्पष्ट कीजिएगा कि आज चूंकि ईडी की तरफ से कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं की गई थी, न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की जा रही है, ऐसे में जो जमानत का रेगुलर जो बेल है उसकी एप्लीकेशन मूव करने का जो विकल्प है वो अरविंद केजरीवाल या उनके वकीलों के सामने कब से उपलब्ध होगा? देखिए, जैसे ही जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर आ जाता है कि अब हम जुडिशियल रिमांड हमें नहीं चाहिए, तो उसके बाद से ही जो अरविंद केजरीवाल के वकील है, अरविंद केजरीवाल के पास विकल्प मौजूद होता है कि वो अपने वकीलों के जरिए एक रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई आरोपी कस्टडी में होता है, किसी भी एजेंसी या पुलिस की कस्टडी में होता है, तब बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाता इस तरीके की रेगुलर बेल को कोर्ट के द्वारा, क्योंकि तब वो जांच एजेंसी की कस्टडी में होता है। लेकिन अब जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद कभी भी जो है अरविंद केजरीवाल के वकील जो है उनकी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और जिस पर जो कोर्ट है वो ईडी को नोटिस जारी करेगी और अगली जो सुनवाई है, अगला जो दिन होगा जो तय होगा, उस पर जो है बेल को लेकर जो है वो बहस की जाएगी। इस चीज को लेकर चूंकि अब जुडिशियल कस्टडी में जाने की मांग कर दी है, और या तो अब जब बेल पे सुनवाई होगी तो ये अब ईडी को कोर्ट में बताना होगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत का क्यों नहीं देनी चाहिए, जमानत का विरोध वो किस आधार पे करेंगे। तो ये अब रेगुलर बेल के क्या जो एक ऑप्शन होता है, जो विकल्प होता है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए खुल जाएगा जैसे ही जुडिशियल कस्टडी में भेजने के ऑर्डर हो जाएंगे, और उसके बाद अगर यहाँ से बेल कैंसिल होती है तो ऊपरी अदालत जो है उस पे जाने का भी विकल्प खुल जाता है। लेकिन जब तक कोई आरोपी जो पुलिस कस्टडी में होता है या ईडी की कस्टडी में होता है तब तक वो बेल एप्लीकेशन नहीं लगाते, क्योंकि उस बेल एप्लीकेशन को कोर्ट ही एंटरटेन नहीं करती है। तो ये अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जब जाएंगे तो उसके इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 16 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल रहेंगे, इस समय की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही थी जिसके अंदर 16 अप्रैल तक अब न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजने का फैसला हुआ है। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और ईडी की तरफ से कस्टडी बढ़ाने की मांग नहीं की गई थी, बल्कि न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग अदालत से की गई थी, और इसके बारे में जो फैसला अदालत से आता नजर आ रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। 16 अप्रैल तक की मियाद होगी।
सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रमोद जरा बताइएगा 16 अप्रैल तक की मियाद जो है वो सामने आ रही है, न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला हो चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज 1 अप्रैल है और अधिकतम जो है 14 या 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है अरविंद केजरीवाल को। तो जो जानकारी हमें अरविंद दे रहे हैं कि 16 अप्रैल तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, और इसके साथ ही किस तरीके के और जो ऑर्डर कॉपी होगी उसके अंदर क्या क्या बातें जो है अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा रखी हुई उनको कोर्ट मानती है, उनको वो रियायत देती है, ये भी देखना होगा। और 16 दिन बाद जो जब ये जुडिशियल कस्टडी खत्म होगी तो अरविंद केजरीवाल को दोबारा से पेश किया जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उन्हें फिजिकली जो बिल्कुल प्रमोद आप नजर बनाए रखें, इस समय की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं, तिहाड़ जेल उन्हें भेजा जा सकता है। और राउज एवेन्यू कोर्ट में इस समय अभी भी सुनवाई चल रही है, देखना होगा कि क्या कुछ सुविधाएं अरविंद केजरीवाल को मिल सकती हैं और साथ ही उनकी जमानत का रास्ता कैसे आगे खुल सकता है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ क्योंकि खबरें अभी और भी हैं। रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, और अगर वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो वो ईडी दफ्तर की बजाय तिहाड़ जेल में रहेंगे, यानी मजिस्ट्रेट की कस्टडी के अंदर अरविंद केजरीवाल होंगे। और तिहाड़ जेल में अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, और जेल नंबर 5 में उन्हें रखने की तैयारी की गई है। तो तिहाड़ जेल के जेल नंबर 5 के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखने की तैयारी हो रही है, ईडी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। और देखिए आज क्या तिहाड़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, यह सवाल बरकरार है, नजरें कोर्ट पर लगी हुई हैं। जमानत नहीं मांगेगी अरविंद केजरीवाल की, और दूसरी बात ईडी की तरफ से भी जमानत की कस्टडी है उसे बढ़ाने की मांग नहीं की गई है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से, ना तो अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है और वहीं ईडी की तरफ से भी कस्टडी को बढ़ाने के लिए कोई मांग नहीं की गई है। और कस्टडी नहीं मांगने के मायने क्या है वो भी समझ लीजिए। तो क्या ईडी को सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं? ये सवाल इसलिए बरकरार है कि कस्टडी को बढ़ाने के लिए किसी तरीके की जो याचिका है वो नहीं लगाई गई है। क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्योंकि इससे पहले तक ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने आईफोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। क्या ईडी को अहम सबूत मिल चुके हैं और इसीलिए अब कस्टडी ईडी नहीं मांग रही है? यह भी सवाल बरकरार है। और क्या सभी कड़ियां जोड़ने में कामयाब रही है ईडी? क्योंकि जाहिर तौर पर कोर्ट में यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या ईडी वो तमाम कड़ियां जिनके लिए गिरफ्तार किया था उसने अरविंद केजरीवाल को, उन्हें वो कड़ियां जोड़ने में कामयाबी मिल पाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद शर्मा और अरविंद। सबसे पहले अरविंद मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जाहिर तौर पर कानूनी पक्ष के लिहाज से अगर देखा जाए तो न तो अरविंद केजरीवाल ने जमानत की अपील दाखिल की है, न ही ईडी की तरफ से जो कस्टडी एक्सटेंड करने को लेकर कोई याचिका लगाई गई है, यानी माना जाए कि जुडिशियल कस्टडी का रास्ता बनता दिख रहा है। बिल्कुल प्रणय, हमारे जो सहयोगी प्रमोद हैं उनकी ये जानकारी है कि ईडी कस्टडी की मांग नहीं करेगी और ऐसी सूरत में फिर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। इसके दो मायने हैं, अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईडी आगे कस्टडी की मांग नहीं कर सकती। 4 दिन का वक्त उनके पास रहेगा और आगे भी जाकर ईडी कोर्ट की इजाज़त के बाद आगे चलकर अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। 4 दिन का वक्त उनके पास आगे भी रहेगा। दूसरा ये कि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता खुल जाएगा, वो जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जब तक कस्टडी की अर्जी यहाँ पर पेंडिंग थी तब तक सामान्यतः कोर्ट जमानत की अर्जी को एंटरटेन नहीं करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो फिर सीबीआई के लिए भी एक रास्ता खुलता है। बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि सीबीआई फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है कोर्ट की इजाजत के बाद जेल में जाकर, और अगर सीबीआई फिर गिरफ्तारी करती है तो फिर सीबीआई कोर्ट में आ सकती है कस्टडी के लिए। मनीष सिसोदिया के मामले में यही हुआ था, पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने। बिल्कुल अरविंद आप बने रहिए मेरे साथ में, प्रमोद का भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद अगर बात की जाए कि अगर अरविंद केजरीवाल को आज अदालत से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी, और तिहाड़ के अंदर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, बाकायदा तैयारियां हो रही है जेल नंबर 5 में।
जी बिल्कुल, अगर ईडी जो है कस्टडी की मांग नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और किस जेल में उन्हें रखा जाएगा उसको लेकर दो बार जो है हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, दो दिन तक हुई है और आज भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कि उन्हें कहाँ पर रखा जाएगा। और क्योंकि एक बार कोई भी प्रिजनर अगर जेल के अंदर आ जाता है तो उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही सब कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन अगर आज ये देखना होगा कि जब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो किसी अतिरिक्त सुविधा या फिर रियायत की मांग कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे ही उनको जो है जेल के अंदर जो अतिरिक्त सुविधा या फिर जो कोर्ट की डायरेक्शन होती है उसको वो जेल प्रशासन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो किस तरीके की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो कोर्ट से करेंगे ये भी देखना होगा। बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में सवाल ये भी बरकरार है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये रुख बरकरार रखे हुए हैं कि जेल से सरकार लगातार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो निर्देश भी जारी करते रहे, अब तक दो महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, तो ऐसे में अगर वो तिहाड़ जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद तो क्या उसके लिए भी इजाजत मांगी जा सकती है? जेल मैनुअल क्या कुछ कहता है, क्या इस तरीके से इससे पहले कोई प्रक्रिया रही है? देखिए बिल्कुल, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के अंदर जो मिलने का वक्त होता है किसी भी भारी व्यक्ति से या परिवार के सदस्य से, वो 10 लोगों की लिस्ट जो है जो कैदी है वो जेल प्रशासन को देता है और हफ्ते में दो दिन ही 3 घंटे के लिए जो मिलाई है वो होती है, और वो भी एक इस तरीके से मिलाई होती है कि आमने सामने दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में इस मुलाकात को करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात की परमिशन देता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके वकील अगर ये लगाते हैं कि उन्हें लगातार मिलना है, उनको अतिरिक्त जो है मिलने की के जो कोर्ट है डायरेक्शन दे, तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करके परमिशन दे सकता है कि अगर वो बीमार है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट है, उनको दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जाए और साथ में घर का खाना मुहैया कराए, तो ऐसी कई सारी रिलीफ है जो वो कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन जो एप्लीकेशन पे किस तरीके की डायरेक्शन देता है। आज यही देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से ईडी के वकील है वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं कि 10 दिन की टोटल जब से गिरफ्तारी हुई है 10 दिन की रिमांड पे थे, किसी भी कैदी को किसी भी आरोपी को 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड पे लिया जा सकता है, तो 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी जो है वो वक्त को बताना चाहेगी कि अगर कभी कोई सबूत आते हैं और किसी को लेकर जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या फिर कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से वो 4 दिन की रिमांड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ, मैं साथ ही अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, और इस समय का बड़ा अपडेट बता दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम और अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने वाली है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल मांग नहीं रखने जा रही है कोर्ट के सामने, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी हलचल है इस समय और साथ ही तैयारी हो रही है इस समय, अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो रही है ईडी की टीम, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये तस्वीरें उस समय की जब ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार लेकर करके और ईडी दफ्तर लेकर आए थे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का भी। अरविंद, अगर आज की सुनवाई का रुख किया जाए तो कितनी बजे पेशी होनी है? करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कितनी लंबी चल सकती है आज की ये सुनवाई? देखिए 11:30 बजे का वक्त है कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक, 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं, तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात ये कि अब जुडिशल कस्टडी में जाएंगे तो दो रास्ते खुलते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, जमानत अर्जी दाखिल करने का, और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का, क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई कोर्ट में बाद में इजाजत मांगती है पूछताछ करने की और सीबीआई गिरफ्तार कर। केजरीवाल ने रामायण महाभारत समेत 3 किताबें मांगी, वकील बोले दवाएं भी मुहैया कराई जाए।
कच्चा तीवू के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के परिवारवाद पर उठाए सवाल। जयशंकर बोले 50 साल पहले मछुआरों की एंट्री पर लगा बैन। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम इंडियन टेरिटरी बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस स्मॉल आइलैंड। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनावी अभियान का आगाज, पूजा पाठ के साथ सारण में किया शंखनाद। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से टक्कर। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने की है तहखाने में पूजा पर रोक की मांग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान का कहर, 5 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। घायलों का हाल जानने पहुंची ममता, तो हादसे पर पीएम ने जताया दुख। दिल्ली के बुराड़ी में दहशत फैलाने वाला तेंदुआ पकड़ा गया। जगतपुर गांव के रिहायशी इलाके में दिखा था तेंदुआ, हमले में 5 लोग हुए थे जख्मी। और इस वक्त की बड़ी खबर सीएम केजरीवाल से जुड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें अब किस तरह से अब आगे ले जाने की पूरी तैयारी की है, यह आपको इस वक्त का बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई और ईडी की तरफ से रिमांड नहीं मांगी गई। न्यायिक हिरासत में अब अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है, 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी, ये बड़ा अपडेट आपको बता दे। तिहाड़ जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल इस वक्त की ये बड़ी खबर। थोड़ी देर में तिहाड़ लेकर जाएगी पुलिस, और ये आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कोर्ट में पेशी के वक्त के अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें। ईडी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो उनके डिवाइसेज ईडी द्वारा जब्त किए गए थे उसके पासवर्ड अरविंद केजरीवाल शेयर नहीं कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया कि इसमें इलेक्शन संबंधित डेटा है, इस वजह से वो पासवर्ड नहीं साझा कर रहे। लेकिन इसको लेकर आपत्ति ईडी की तरफ से जताई गई कि जांच में सहयोग अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक अब जेल भेज दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल। प्रमोद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये बड़ी खबर आज की, अरविंद केजरीवाल 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है, अब आगे दिल्ली पुलिस उन्हें तिहाड़ जेल लेकर जाएगी। कितनी देर में तिहाड़ जेल के लिए रवाना होंगे अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल की फर्दर रिमांड की मांग नहीं की है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजे जाने के लिए कहा है, और कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। और आमतौर पे जो है जो जेल वैन के जरिए ही कैदियों को तिहाड़ जेल भेजा जाता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया है कि दिल्ली पुलिस की टीम अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर तिहाड़ जेल जाएगी और उन्हें तिहाड़ जेल छोड़ने के बाद आएगी। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी है, और किसी के भी आने पर या किसी भी वाहन के इस राउज एवेन्यू कोर्ट के आसपास आने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। भारी संख्या में पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, और थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है ईडी की टीम वो यहां से निकलेगी और सीधा तिहाड़ जेल में लेके जाया जाएगा। तिहाड़ जेल के अंदर 5 नंबर जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा, जिसे बाकायदा पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया गया है, और एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो तिहाड़ प्रशासन ने करी थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर इंतजाम करने हैं, और जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा, जो जो अतिरिक्त सुविधाएं कोर्ट के ऑर्डर में लिखी होंगी, वो सारी चीज़ें मुहैया तिहाड़ प्रशासन जो है वो अरविंद केजरीवाल को कराएगा, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के वकील ने दवाइयों को लेकर मांग की है और साथ में कुछ किताबें पढ़ने को लेकर, किताबें उपलब्ध कराने को लेकर कोर्ट के अंदर बोला था। तो थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को यहाँ से तिहाड़ जेल के लिए लेकर जाया जाएगा, और अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी ने अपना सबमिशन किया था कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, वो सवालों के जवाब सीधे तौर पे नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में अभी फिलहाल उन्हें अरविंद केजरीवाल की जो है कस्टडी की जरूरत नहीं है, और जो 4 दिन यानी कि प्रमोद यही वजह ईडी की तरफ से रही होगी, जो लगातार ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, पासवर्ड अपने डिवाइसेस के नहीं बता रहे हैं, इसको लेकर एप्पल तक में एक रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ा था ईडी को, क्या यही वजह रही कि आज ईडी की तरफ से रिमांड नहीं मांगी गई? बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को दोबारा से रिमांड पे लेके वो चार दिन और खराब ईडी नहीं करना चाहती है, क्योंकि चार दिन अगर और रिमांड ले लेती तो उसके बाद रिमांड पे लेने का जो वक्त होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ईडी ने कोर्ट को आज ये बताया कि उन्हें अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए, क्योंकि जो पासवर्ड अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे थे, जो चार डिवाइस जब्त किए गए थी उनके, अब वो पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं बता रहे। ऐसे में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में उन फोन को देकर किसी तरीके से उन्हें ओपन कराया जाएगा और जितना डेटा है वो रिट्रीव करने की कोशिश ईडी करेगी, और जब वो डेटा सामने आ जाएगा तो अगर ज़रूरत पड़ती है अरविंद केजरीवाल को दोबारा से कस्टडी में लेकर उस डेटा को सामने रखकर उससे उनसे पूछताछ करनी होती है तो कोर्ट की परमिशन से दोबारा से कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की ज़रूरत ईडी को नहीं थी, इसीलिए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग ईडी ने करी थी। और वहीं अब अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो रेगुलर बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को दोबारा से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, और सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस की टीम जो है खुद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लेकर जाएगी, वहाँ पर उनको सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को एक अलग से 5 नंबर जेल में रखा जाएगा। उनकी सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम जेल के अंदर कर दिए। जानकारी ऐसी भी आ रही है कि कल से ही तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, किस तरह की तैयारी वहां पर की गई है, किन चीजों का खास ख्याल रखना होगा वहां? देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर होता है, और ऐसे में जो 5 नंबर जेल है जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा उसे पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया गया है, और साथ में उन्हें अकेला रखा जाएगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और जो तिहाड़ जेल है वो दिल्ली सरकार के अंडर ही आती है, इसलिए और साथ में जो कोर्ट का ऑर्डर होगा, जो भी अतिरिक्त सुविधाएँ कोर्ट ने जो ऑर्डर में लिखी होंगी वो सारी चीज़ें जो है अरविंद केजरीवाल को मुहैया कराई जाएंगी। और उसको लेकर तिहाड़ जेल में 2 दिन तक हाई लेवल मीटिंग हुई थी, डीजी तिहाड़ और साथ में तमाम जेल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने मीटिंग करी थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा, कौन सी जेल में रखा जाना है, और क्योंकि ऐसी जेलों में जो कई ऐसे खूंखार कैदी और गैंगस्टर होते हैं तो उनसे दूर उन्हें रखा जाएगा, अलग सेल में रखा जाएगा, और पूरी तरीके से उनके स्वास्थ्य पे नजर रखी जाएगी। और ऐसे में जो चीजें, ये 2 मुद्दे होंगे जिन पर पूरा एक कह सकते हैं कि प्राथमिकता दी जाएगी, पूरा जोर दिया जाएगा कि किसी तरह की कोई चूक ना हो। और अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद का भी हम आगे रुख करेंगे, उनसे समझेंगे कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। लेकिन केजरीवाल पर तिहाड़ में तैयारी, जेल में हाई लेवल मीटिंग हुई है, सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तिहाड़ जेल में, अब 14 दिन के लिए वो रहने वाले हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर खास तैयारियां हैं। 2 नंबर जेल में रखे जा सकते हैं, बैरक की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, 6:30 बजे ब्रेड और चाय अरविंद केजरीवाल को मिलेगी। तो जेल में कैसे गुजरेंगे अरविंद केजरीवाल के दिन? 10:30 बजे दाल सब्जी, 5 रोटी और चावल, इसके अलावा 2:30 बजे चाय और 2 बिस्किट अरविंद केजरीवाल को दिए जाएंगे। 4:00 बजे वो लोगों से और वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आगे उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या विकल्प हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। 5:30 बजे दाल सब्जी, 5 रोटी या चावल, और फिर 6:00 से 7:00 बजे अपने सेल में उन्हें जाना होगा। तो अब आने वाले 14 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में, आरोप है शराब घोटाला, साथ ही मनीष सिसोदिया भी इस वक्त जेल में है शराब घोटाले के आरोप में ही, संजय सिंह इस वक्त जेल में है शराब घोटाले के आरोप में, और सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है। और अरविंद का मैं रुख करना चाहूंगी, अरविंद केजरीवाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल दिल्ली पुलिस उन्हें अब से कुछ ही देर में लेकर जाएगी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ, क्या बातें रखी गई दोनों पक्षों की तरफ से? देखिए, इस मामले में जो ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे, और उन्होंने साफ किया कि अभी वो कोर्ट से इस बाबत निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। लेकिन उन्होंने साफ किया कि आगे चलकर भी अगर ज़रूरत हुई तो अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेकर ईडी पूछताछ कर सकती है। और इसके पीछे उन्होंने हवाला दिया कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई है लेकिन वो जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे बल्कि जांच को मिसलीड यानी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
एएसजी की तरफ से ये भी बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जो डिजिटल डिवाइस है जिसमें उनका मोबाइल फोन भी शामिल है, 4 डिजिटल डिवाइस उनके घर से जब्त किए गए थे जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके पासवर्ड वो शेयर नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वो डिजिटल डेटा वहाँ से निकल पाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में एएसजी की तरफ से कहा गया कि अभी तक जो सहयोग का रवैया होना चाहिए अरविंद केजरीवाल का वो रहा। दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए करदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। तो बीजेपी अध्यक्ष को आप सुन रहे थे जो अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए यहाँ नजर आए और उन पर गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो तिहाड़ की जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। लेकिन अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जी अरविंद, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। आप बता रहे थे कि किस तरह से ईडी ये दावा कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या इसमें अरविंद केजरीवाल को भी अपने डिफेंस में कुछ कहने का मौका मिला? क्या उनकी तरफ से भी कोई दलील रखी गई, कोई बात रखी गई? देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस मामले को लेकर जमानत अर्जी दाखिल नहीं की गई है और ऐसे में ये बात तय थी कि अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है तो फिर उनको जुडिशल कस्टडी में जाना होगा। हालांकि उनके वकील की तरफ से 3 मांग की गई है एक अर्जी दायर करके, उनके वकील ने कोर्ट के सामने वो मांग रखी। पहली उनकी मांग थी कि उनको स्पेशल डाइट दिया जाए उनकी कुछ बीमारियों के चलते। इसके अलावा कुछ दवाइयों की मांग भी उन्होंने की है, वो दवाइयाँ उनको ईडी की हिरासत में भी मिलती रही हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 किताबें जेल के अंदर उपलब्ध कराने की मांग की है। एक किताब उनमें से रामायण है, दूसरी गीता है और तीसरी किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जो कि निर्जा चौधरी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है उनके द्वारा लिखित ये पुस्तक है। तो इन 3 किताबों को भी उपलब्ध कराने की उन्होंने मांग की है। इसके अलावा उन्होंने कुर्सी और टेबल इसकी भी मांग की है कोर्ट से जेल के अंदर उन्हें उपलब्ध कराने के लिए। और जब लिखित आदेश आएगा जिसमें कोर्ट ये साफ करेगा कि जुडिशल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा रहा है और ये सारी दलीलें रखी गई हैं, उसमें बात साफ हो जाएगी कि जो जो मांग अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से रखी गई हैं उनको मान लिया जाएगा या कोर्ट का रुख उन पर क्या रहेगा वो लिखित आदेश से साफ हो जाएगा। लेकिन जो उन्होंने मांग की है वो कोई ऐसी मांग नहीं है जिनको जुडिशल कस्टडी में रहते हुए पूरा नहीं किया जा सकता। इससे पहले जब ईडी की हिरासत में उनको भेजा गया था तब भी उन्होंने घर का बना खाने की मांग की थी, कुछ दवाइयाँ उपलब्ध कराने की मांग की थी, वो सब बात भी कोर्ट ने मान ली थी। तो ऐसे में जो उनकी तरफ से ये मांग की गई है बहुत हद तक संभावना है कि कोर्ट इनको मांग ही लेगा। इसके अलावा 3 किताबें उन्होंने मांगी है जुडिशल कस्टडी में रहते हुए। लेकिन यहां से एक 2 रास्ते खुलते हैं। पहला ये कि अब अरविंद केजरीवाल जुडिशल कस्टडी में जाने के बाद जमानत के लिए अगर चाहे तो निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। दूसरा जो मुश्किल भरा रास्ता है वो ये कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई भी पिक्चर में आ सकती है। सीबीआई हो सकता है कि कोर्ट की परमिशन के बाद अरविंद केजरीवाल से जुडिशल कस्टडी में जाकर पूछताछ करे और जो प्रिडिकेट ऑफेंस है, जो इस मामले में मुख्य अपराध है, जो करप्शन का जो आरोप है, उसकी सीबीआई अभी तक जांच कर रही है। तो हो सकता है कि बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वो अगर हिरासत की मांग करती है और बाद में वो सीबीआई की कस्टडी में भी जाते हैं तब अरविंद केजरीवाल के लिए दोहरी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद जब उन्हें जमानत की वो अर्जी दाखिल करेंगे तो उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों की ओर से दर्ज केस में जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा और जब तक दोनों ही केस में उनको जमानत नहीं मिल पाएगी वो जमानत पर बाहर नहीं आ पाएंगे। तो फिर एक दोहरी मुश्किल साबित होगी और ऐसा आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया के केस में भी हुआ था। आप थोड़ा और विस्तार से समझाइए, क्योंकि जाहिर तौर पर यह साफ नजर आ रहा है कि कानूनी शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसता चला जा रहा है। अगर सीबीआई की एंट्री होती है तो उससे किस तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की राह और मुश्किल होती चली जाएगी और कानूनी विकल्प उनके पास क्या रहेंगे? देखिए, ये जो आबकारी नीति मामला है इसमें 2 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पहले जो एफआईआर दर्ज की गई वो सीबीआई की तरफ से की गई अगस्त 2022 में और सीबीआई इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत करप्शन का जो आरोप है उसकी जांच कर रही है। जो मुख्य अपराध है जिसे प्रिडिकेट ऑफेंस है वो सीबीआई की तरफ से ही दर्ज किया गया करप्शन का और उसी के आधार पर ईडी ने फिर एफआईआर दर्ज की सितंबर 2022 में। और ईडी जो जांच कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच कर रही है, यानी ईडी ये जांच कर रही है कि हवाला के जरिए क्या पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं। अगर आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई थी पहले सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी 26 फरवरी 2023 को, उसके बाद तकरीबन 10 दिन तक वो सीबीआई की कस्टडी में रहे 6 मार्च तक।
उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था मनीष सिसोदिया को, और 2 मार्च को सीबीआई ने कोर्ट की परमिशन के बाद, माफ कीजिएगा, 9 मार्च को ईडी ने कोर्ट की परमिशन के बाद मनीष सिसोदिया से पिछले साल जेल में जाकर पूछताछ की थी। उसके बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, अपने केस में उनकी गिरफ्तारी डाली, और फिर उसके बाद ईडी की तरफ से निचली अदालत में रिमांड की मांग की गई, और उसके बाद तकरीबन 12 दिन मनीष सिसोदिया ईडी की कस्टडी में रहे। और अब मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों केस में जमानत के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, और तकरीबन 1 साल का वक्त हो गया है उनकी गिरफ्तारी को, बल्कि 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है दोनों ही केस में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों केस में उनकी गिरफ्तारी को, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाई है। तो यही मुश्किल अब अरविंद केजरीवाल के लिए हो सकती है कि अगर सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार करती है और आगे चलकर सीबीआई भी उनकी कस्टडी की मांग करती है, जैसा कि सीबीआई के सूत्र जानकारी दे रहे हैं, तो फिर उनके लिए एक दोहरी मुश्किल साबित होगी। उन्हें फिर दोनों जांच एजेंसियों के केस का सामना करना होगा और दोनों ही के ही केस में जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। जी अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को बताइए। इस बीच प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, शाजिया अल्मी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अरविंद केजरीवाल दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। ये वही केजरीवाल हैं जिनके पूरे करियर का लॉन्च हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, खासतौर से रामलीला मैदान में, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे को जिस तरह से इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। तो अब केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि पीएम जो भी कर रहे हैं गलत है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी देश के लिए अच्छे हैं, सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना और नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये कांग्रेस डीएमके का चरित्र बन चुका है, इसके लिए उनको जवाब देना चाहिए। बात कर रहे हैं लेकिन होने कुछ भी वाला नहीं, और अगर होता है तो विदाउट मैच फिक्सिंग ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। झाकी रही। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। आपने सुना शहजाद पूनावाला को, साथ ही बीजेपी नेता शाजिया अल्मी को भी आपने सुना, जो कह रही थी कि जिस तरह से पीएम मोदी पर वो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। और अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, आपसे एक बार फिर से हम समझना चाहेंगे कि आगे अब अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कानूनी विकल्प खुले हैं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आगे किस तरह से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी राहत के विकल्प की बात करें तो उनके पास 2 विकल्प हैं इस मामले में। पहला ये कि वो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए तुरंत रिहाई की मांग करें। इस कानूनी राहत के विकल्प को अरविंद केजरीवाल पहले ही आजमा चुके हैं। हाईकोर्ट में उनकी याचिका पेंडिंग है जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की है, और उस पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी को अगर कोई आरोपी चुनौती देता है तो उसके लिए सिर्फ 2 ही कोर्ट का रास्ता बचता है। आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट का रुख कर सकता है, और आर्टिकल 32 के तहत आरोपी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, वहाँ से वापस लेकर अब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है और 3 अप्रैल को सुनवाई होनी है। दूसरा जो अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी राहत का विकल्प बचता है वो ये कि वो निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगाए, और ये विकल्प अब उनके पास खुला है। आमतौर पर जब किसी जांच एजेंसी की रिमांड अर्जी पेंडिंग होती है तो कोई आरोपी जमानत के लिए मूव नहीं करता, क्योंकि पहले कोर्ट ये देखता है कि क्या रिमांड दी जाए या नहीं दी जाए। अब वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए जाएंगे आज के बाद, तो उनके पास ये विकल्प खुला रहेगा कि अब वो निचली अदालत में भी जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जी अरविंद, एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री जेल के भीतर से जो बाकी जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी उनके कार्य हैं, उनको किस तरह से संपन्न करेंगे, क्या मुश्किलें उनके सामने आ सकती हैं अरविंद केजरीवाल के। बिल्कुल, और इसी को लेकर मैं एक अहम अपडेट भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा दूं कि हाईकोर्ट में आज एक सुनवाई थी जिसमें हाईकोर्ट में मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी की हिरासत में रहते हुए अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। आज हाईकोर्ट ने ये कहा है कि ईडी इस मामले की जानकारी निचली अदालत में, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उनके संज्ञान में लाए। ईडी इसको लेकर के अर्जुन, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है जहां पर इस वक्त हंगामे की स्थिति बनती नजर आ रही है, सुनिए वहां पर क्या कुछ हो रहा है। चर्चा बेमानी है और अनावश्यक है।
क्योंकि जब मामला सब जूडिस होता है, अदालत उसको सुन रही है, तो ये एक तरह की दबाव बनाने की कार्रवाई से ज्यादा और कुछ नहीं है, जो कि गैर कानूनी है। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ साथियों ने ये एक दर्जन बार इससे पहले भी कह चुके हैं, हमारे विधायक खरीद लिए, बेच दिए। भाई कंप्लेंट दो जाके, आपके पास नंबर आ गया, आप सदन में बोल रहे हो, कल आपको फोन आया था, आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई क्या थाने में? तो सवाल ये है कि क्योंकि सदन की जो सेंटिटी है उसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी बोलो और झूठ सच कुछ भी करके लोगों को कब तक आप झूठ परोसोगे? चलेगा नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शराब कांड क्या है। सरकार ने जून 2021 को इसको लागू किया, 849 शराब की दुकानें खोली गई। अध्यक्ष जी, 849 शराब की दुकानें खोली जानी थी। इसी तरह के सरकारी ठेके अब अध्यक्ष जी की अनुमति से, अनुमति के बोला था क्या ये बताओ? ये तो मैं आपकी बात ही बोला गुप्ता जी। बैठिए बैठिए विजेंद्र जी, अगर सत्ता पक्ष के लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये कहना है उस पर आप टिप्पणी करें और खुद उसी पर चर्चा करें। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं। मैंने इसकी अनुमति नहीं, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं कि हम अपनी बात कह रहे हैं। अब बोल लेने दीजिए, बोल मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने जितने मिनट मुझे दिए उत्तर देंगे, मैं उसका 10 सेकंड पहले उत्तर देंगे सारा। चलिए बोलिए, 10 सेकंड पहले खत्म कर दूंगा जितना समय आपने मुझे दिया। बोलिए बोलिए। नीति के अनुसार 849 शराब की दुकानें खुली थी, उससे पहले 60% सरकारी दुकानें थी, 40% प्राइवेट दुकानें थी। नीति लागू होने के बाद सारी सरकारी दुकानें बंद कर दी गई और प्राइवेट दुकानें खोलने का जो मामला था वो प्रारंभ हो गया। 17 नवंबर, मैं तारीख बताता हूँ सही, जून में पॉलिसी तैयार हुई 21 में, और 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू। तो आम आदमी पार्टी विधायक ने लगाया बड़ा आरोप, राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है। तो दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था जो आपको हम सीधा दिखा रहे थे, और हर बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। फौरन लौट रहे हैं कुछ और अपडेट्स के साथ, देखते रहिए जी न्यूज। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद शर्मा और अरविंद। सबसे पहले अरविंद, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जाहिर तौर पर कानूनी पक्ष के लिहाज से अगर देखा जाए तो न तो अरविंद केजरीवाल ने जमानत की अपील दाखिल की है, न ही ईडी की तरफ से जो कस्टडी एक्सटेंड करने को लेकर कोई याचिका लगाई गई है। यानी ये माना जाए कि जुडिशियल कस्टडी का रास्ता बनता दिख रहा है। बिल्कुल प्रणय, हमारे जो सहयोगी प्रमोद है उनकी ये जानकारी है कि ईडी कस्टडी की मांग नहीं करेगी, और ऐसी सूरत में फिर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। इसके दो मायने हैं। अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईडी आगे कस्टडी की मांग नहीं कर सकती। 4 दिन का वक्त उनके पास रहेगा, और आगे भी जाकर ईडी कोर्ट की इजाज़त के बाद आगे चलकर अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले सकती है, उनसे पूछ। 4 दिन का वक्त उनके पास आगे भी रहेगा। दूसरी, कस्टडी में जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता खुल जाएगा, वो जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जब तक कस्टडी की अर्जी यहाँ पर पेंडिंग थी, तब तक सामान्यतः कोर्ट जमानत की अर्जी को एंटरटेन नहीं करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो फिर सीबीआई के लिए भी एक रास्ता खुलता है। बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि सीबीआई फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है कोर्ट की इजाजत के बाद जेल में जाकर, और अगर सीबीआई फिर गिरफ्तारी करती है तो फिर सीबीआई कोर्ट में आ सकती है कस्टडी के लिए। मनीष सिसोदिया के मामले में यही हुआ था, पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने। बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे साथ में, प्रमोद का भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए कि अगर अरविंद केजरीवाल को आज अदालत से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी, और तिहाड़ के अंदर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, बाकायदा तैयारियां हो रही है जेल नंबर 5 में।
जी बिल्कुल, अगर ईडी जो है कस्टडी की मांग नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनकी सुरक्षा और किस जेल में उन्हें रखा जाएगा उसको लेकर दो बार जो है हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, दो दिन तक हुई है और आज भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कि उन्हें कहाँ पर रखा जाएगा। और क्योंकि एक बार कोई भी प्रिजनर अगर जेल के अंदर आ जाता है तो उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही सब कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन अगर आज ये देखना होगा कि जब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो किसी अतिरिक्त सुविधा या फिर रियायत की मांग कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे ही उनको जो है जेल के अंदर जो अतिरिक्त सुविधाएँ या फिर जो कोर्ट की डायरेक्शन होती है उसको वो जेल प्रशासन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, तो किस तरीके की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो कोर्ट से करेंगे ये भी देखना होगा। बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में सवाल ये भी बरकरार है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये रुख बरकरार रखे हुए हैं कि जेल से सरकार लगातार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो निर्देश भी जारी करते रहे, अब तक दो महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, तो ऐसे में अगर वो तिहाड़ जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद तो क्या उसके लिए भी इजाजत मांगी जा सकती है? जेल मैनुअल क्या कुछ कहता है? क्या इस तरीके से इससे पहले कोई प्रक्रिया रही है? देखिए बिल्कुल, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के अंदर जो मिलने का वक्त होता है किसी भी भारी व्यक्ति से या परिवार के सदस्य से वो 10 लोगों की लिस्ट जो है जो कैदी है वो जेल प्रशासन को देता है, और हफ्ते में दो दिन ही 3 घंटे के लिए जो मिलाई है वो होती है, और वो भी एक इस तरीके से मिलाई होती है कि आमने सामने दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में इस मुलाकात को करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात की परमिशन देता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके वकील अगर ये लगाते हैं कि उन्हें लगातार मिलना है, उनको अतिरिक्त जो है मिलने की के जो कोर्ट है डायरेक्शन दे, तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करके परमिशन दे सकता है कि अगर वो बीमार है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट है, उनको दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जाए और साथ में घर का खाना मुहैया कराए, तो ऐसी कई सारी रिलीफ है जो वो कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन जो एप्लीकेशन पे किस तरीके की डायरेक्शन देता है। आज यही देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से ईडी के वकील है वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं कि 10 दिन की टोटल जब से गिरफ्तारी हुई है 10 दिन की रिमांड पे थे, किसी भी कैदी को किसी भी आरोपी को 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड पे लिया जा सकता है, तो 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी जो है वो वक्त को बताना चाहेगी कि अगर कभी कोई सबूत आते हैं और किसी को लेकर जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या फिर कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से वो 4 दिन की रिमांड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ईडी बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ, मैं साथ ही अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, और इस समय का बड़ा अपडेट बता दें ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम और अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने वाली है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल मांग नहीं रखने जा रही है कोर्ट के सामने, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी हलचल है इस समय और साथ ही तैयारी हो रही है इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो रही है ईडी की टीम, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये तस्वीरें उस समय की जब ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार लेकर करके और ईडी दफ्तर लेकर आए थे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का भी। अरविंद, अगर आज की सुनवाई का रुख किया जाए तो कितनी बजे पेशी होनी है? करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कितनी लंबी चल सकती है आज की ये सुनवाई? देखिए 11:30 बजे का वक्त है, कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात ये कि अब जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे तो दो रास्ते खुलते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, जमानत अर्जी दाखिल करने का, और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का, क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई कोर्ट में बाद में इजाज़त मांगती है पूछताछ करने की और सीबीआई गिरफ्तार कर फिर कस्टडी मांगती है, फिर दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए, फिर उनको दोनों मामलों में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। अरविंद, शराब घोटाला मामले की जो पहली जांच है वो शुरू ही की थी सीबीआई ने,
और इस पूरे मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। का बीजेपी पर बड़ा आरोप, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश। आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज ने लगाया ये बड़ा आरोप। विधायकों की खरीद फरोख्त की भी कोशिश की जा रही है। 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया है। 10 विधायक तोड़ने पर मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया गया है। तो ऋतुराज की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया है। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से। दरियापुर में अध्यक्ष जी, कल दरियापुर में 9:15 के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ, आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको, 10 विधायकों का टारगेट। आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो, आप सबको जानते हो, सबसे बातचीत करो, हमारे बिहाफ पे बातचीत करो, हमको रिपोर्ट दो और हम सब लोगों से बातचीत करके, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी हम संपर्क में हैं और हम उनको 25-25 करोड़ रुपया भी देंगे और आपको मंत्री बनाएंगे पूर्वांचल कोटा से बीजेपी। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया। विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, सुनिए। केजरीवाल जी अब ईडी की कस्टडी से निकल करके तिहाड़ जेल यानी कि जुडिशियल कस्टडी में उनको भेजा जा रहा है। मेरा ये कहना है कि इतने संगीन मामले में जब ये स्पष्ट हो गया कि ये पूरा एक घोटाला हुआ है शराब का, तो इसमें अगर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच हो रही है और सारी बातें सबके सामने आ रही है, तो उसका राजनीतिकरण करना, उसको बार बार ये कहना, भी इन्होंने उदाहरण दिया कि जी 4 हमारे विधायक विधायक एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें उठा के बंद कर दो। कानून तो सर्वोपरि है, हम सब जानते हैं, कानून से बड़ा तो कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए ये, चलिए आप तो विधायक हैं, एमपी लड़ रहे हैं, नेशनल पार्टी के आप सदस्य हैं, आपकी नेशनल पार्टी है, आप उसके सदस्य हैं, वो मामला अलग है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपकी बात को मैं उस उदाहरण में पेश करूं कि कोई भी अपराधी, मान लीजिए जेब कतरा ही है, जेब काटता है, पकड़ा गया और जाके नॉमिनेशन भर दे और उसको पकड़ के बंद कर दे, तो कहेंगे जी ये देखो जी मेरे को तो जेल में डाल दिया, मेरा अधिकार छीन लिया, मुझे मैं चुनाव कैसे लड़ूं अब। तो ये तय कर लीजिए अध्यक्ष जी, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस देश पर कानून का राज चलेगा या दबाव की राजनीति चलेगी। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगातार सबके मन में ये सवाल बना हुआ है कि अब आगे दिल्ली की जो सरकार है वो कहां से चलेगी, कौन चलाएगा, क्या अरविंद केजरीवाल जेल से भी सरकार चला सकते हैं, क्या दिल्ली के सामने एक बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने की ये कोई बड़ी साजिश हो सकती है। देखिए, जहां तक कानूनी बाध्यता का सवाल है, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में भी जाते हैं तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने की कोई कानूनी या संवैधानिक बाध्यता नहीं है, क्योंकि आरपी एक्ट के मुताबिक कोई भी सांसद या विधायक तभी अयोग्य करार होता है जब वो कुछ मामलों में या तो दोषी करार दिया जाए या उसे 2 साल या उससे अधिक की सजा हो। अरविंद केजरीवाल की अभी सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, दोष सिद्धि नहीं हुई है, तो लिहाजा वो एमएलए रह सकते हैं और इस लिहाज से वो सीएम पद पर भी रह सकते हैं। लेकिन जहां तक जेल से सरकार चलाने का सवाल है, उसको चलाने के लिए बहुत सारी व्यवहारिक जटिलताएं हैं, बहुत मुश्किलें हैं जो उनके सामने आएंगी।
मसलन वो कैबिनेट की मीटिंग कैसे करेंगे, अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करेंगे तो उस मीटिंग की जेल के अंदर सीक्रेसी कैसे रहेगी, वो कैसे अपने मंत्रियों के साथ मशवरा करेंगे, और जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली है तो गोपनीयता की भी शपथ ली है, ऐसे में इस पद के दायित्व को बखूबी कैसे निभा पाएंगे, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि जेल के अंदर से वो सरकार सुचारू रूप से चला पाए इसके लिए उन्हें कुछ रियायतों की जरूरत होगी, और ये रियायत भी तभी मिल सकती है जब वो निचली अदालत में इसके लिए आवेदन दाखिल करें और निचली अदालत उन्हें जुडिशियल कस्टडी में वो सारी रियायत उपलब्ध कराएं। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि अभी कुछ देर पहले हाईकोर्ट में एक मसले पर सुनवाई हुई है। हालांकि हाईकोर्ट में ये सवाल उठाया गया था कि अरविंद केजरीवाल कैसे ईडी की हिरासत में रहते हुए सरकारी मंत्रियों को अपने अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकते हैं, ये सवाल उस याचिका में उठाया गया था और अरविंद केजरीवाल को इससे रोकने की मांग की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये कहा है कि ये मामला ईडी जो जिला जज हैं, जो निचली अदालत में जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उनके संज्ञान में लाए, और उस याचिका में शिकायत की गई थी कि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए भी कंप्यूटर प्रिंटर इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं और निर्देश जारी कर रहे हैं। हालांकि ईडी की तरफ से साफ किया गया है कि उन्हें हिरासत में रहते हुए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, और ईडी की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि ये मामला अब उनकी जानकारी में है और वो निचली अदालत में इस मामले को रखेंगे अगर जरूरत होगी तो हाईकोर्ट ने मामला पूरी तरीके से निचली अदालत के जज पर छोड़ दिया है। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल चूंकि ईडी की हिरासत में तो रह नहीं रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, तो जेल से भी अगर वो कुछ खास रियायतें चाहते हैं सरकार ताकि वो सुचारू रूप से चला सकें, क्योंकि व्यवहारिक जटिलताएं तो बहुत सारी हैं ही, तो इसके लिए उन्हें निचली अदालत के जज से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, और बहुत सारी दिक्कतें हालांकि इस मामले में आएंगी उनको अगर वो चाहते हैं कि जेल में रहते हुए वो सीएम पद के उत्तरदायित्व को बखूबी निभा सके। तो यानी कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, कई मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के सामने आएंगी। अरविंद, बाकी मैं आपका एक रिएक्शन इस पर भी चाहूंगी, जो आम आदमी पार्टी के विधायक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति इस शासन लगाने की ये साजिश हो सकती है। राष्ट्रपति शासन किस सूरत में लग सकता है, कौन इसकी पहल कर सकता है, वो भी आप अगर विस्तार से दर्शकों को समझा सके। 239 ए बी के तहत ये प्रावधान है कि अगर उपराज्यपाल यानी एलजी को लगता है कि सरकार सही तरीके से नहीं चल पा रही और दिल्ली में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति है, तो ऐसे में वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर फैसला ले सकते हैं, जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की सलाह के मुताबिक। तो ये एक प्रावधान ज़रूर है, हालांकि ऐसा होने ही जा रहा है ये अभी नहीं कहा जा सकता। और जब हाईकोर्ट में मांग की गई थी, आपको याद होगा कि इससे पहले जब याचिका दायर की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाना चाहिए, तो हाईकोर्ट ने तब ये टिप्पणी की थी कि एलजी और राष्ट्रपति बेहतर हैं इस मामले पर कोई भी डिसीजन लेने के लिए और कोर्ट उनको अपनी तरफ से कोई निर्देश नहीं दे सकता, तो कोर्ट ने तो इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया था। तो ये विकल्प जरूर है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था जरूर की गई है कि 239 ए बी के तहत ये प्रावधान है, लेकिन इस विकल्प का इस्तेमाल हो ही ये अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा सकता, और इसको लेकर देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का भी स्टैंड आगे लेकर के क्या रहता है, और निचली अदालत में अगर वो रियायत की मांग करते हैं जेल के अंदर से सरकार चलाने के लिए, तो निचली अदालत के जज का क्या रवैया रहता है, तो इन सब बातों पर निर्भर करेगा, और उसके बाद जो सूरत बनेगी उसके हिसाब से ही डिसीजन लिया जाएगा इस बारे में। लेकिन जाहिर तौर पर ये कि अपने आप में एक सियासत का मसला है, तो इसको लेकर के सियासी बयानबाजी अभी से होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल अरविंद, और आज से लेकर अब अगले 14 दिनों तक अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहने वाले हैं, और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले 14 दिनों में वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यों को किस तरह से संपन्न करते हैं, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने आती हैं, और आगे जैसा कि आपने कहा कि एलजी के पास ये अधिकार होगा कि अगर ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली में कोई संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है तो एलजी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकता है। एक और मामले में मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूंगी कि करीब 10 दिन ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल रहे हैं, और जानकारी के मुताबिक रोज करीब करीब 5-5 घंटे ईडी की तरफ से सवाल जवाब किए गए हैं, क्या ये पूछताछ का सिलसिला ईडी की तरफ से अब न्यायिक हिरासत के दौरान भी जारी रहेगा, और क्या सीबीआई भी जल्द पूछताछ करने के लिए जेल पहुंच सकते हैं? नहीं, जेल में वो चले जाएंगे तो वो ईडी की कस्टडी में नहीं रहेंगे और ईडी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आज जब ईडी की तरफ से कहा गया कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए, तो एक विंडो ओपन रखी है। एएसडी एसपी राजू ने कहा है कि अगर फ्यूचर में आगे चलकर जरूरत हुई तो उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि जितना चाहती थी ईडी हिरासत में वैसा उनसे हासिल नहीं हो पाया है। ईडी का ये आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे, 4 डिजिटल डिवाइस उनके घर से मिली, उनका आईफोन है जिसको उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया था जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई, और अभी तक उसका पासवर्ड उन्होंने शेयर नहीं किया है।
पांच दिन तक इससे पांच हर दिन पांच घंटे उनसे पूछताछ हुई है इन हिरासत की अवधि में, जो तकरीबन 10 दिन की उनकी हिरासत की अवधि रही है, लेकिन सवालों के जवाब उन्होंने नहीं दिए। इस दरमियान कुछ लोगों से उनका कन्फ्रंट भी कराया गया, जो मनीष सिसोदिया के पीएस हैं उनसे उनका कन्फ्रंट किया कराया गया। इसके अलावा 2-3 जो लोग इस मामले से संबंधित थे, जिनके नाम अभी ईडी जिनके नामों का खुलासा नहीं कर रही है, ना ही रिमांड पेपर में और ना ही कोर्ट के अंदर, उनसे भी अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराकर पूछताछ की गई है। कुछ और भी सदस्य हैं जिनके नाम ईडी की तरफ से लिए गए हो जांच में या पूछताछ में, कि कोई नाम सामने आए हो आतिशी या सौरभ भारद्वाज को लेकर, क्या ईडी की तरफ से कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, आज एएसजी एसपी राजू ने एक लाइन बोली है कि अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो बेसिकली एएसजी इस दलील के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तथ्यों को झुठला रहे हैं और जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले ये भी बात सामने आई थी कि जब मनीष सिसोदिया के पीएस जो अरविंद हैं उनसे जब उनका कन्फ्रंट कराया गया था, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल से पूछा गया है कि क्या उन्होंने कोई निर्देश जारी किया था क्या सी अरविंद के लिए, तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें ये याद नहीं, वो बहुत सारे लोगों से रोजाना मिलते हैं। तो ईडी का ये आरोप रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीधे जवाब नहीं दे रहे और जानबूझकर मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भले ही अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी में जा रहे हों, लेकिन इस दलील के सहारे ईडी ये चाहती थी कि जब आगे जरूरत पड़े कभी तो हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। जहां तक सीबीआई का मामला है, सीबीआई इस मामले में मुख्य जांच एजेंसी है। आबकारी नीति घोटाले की अगर हम बात करें, पहली एफआईआर जैसे मैंने कहा कि सीबीआई की तरफ से ही दर्ज की गई थी, प्रेडिकेट ऑफेंस यानी जो मुख्य अपराध है करप्शन का, उसकी जांच सीबीआई ही कर रही है, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अगर सीबीआई चाहती है तो वो फिर कोर्ट से आकर के जुडिशियल कस्टडी में पहले पूछताछ की मांग कर सकती है, और वहां से अगर उसको कुछ लीड मिलती है और वो गिरफ्तारी डालती है। क्या अरविंद ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के कुछ और सदस्य भी हो सकते हैं जो ईडी के जांच के दायरे में जल्द आने वाले हों, या ईडी उनको पूछताछ के लिए समन भेज सके? क्या ऐसे कोई नाम सामने आए हैं अब तक? क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज से इस मामले में क्या पूछताछ संभव है? देखिए, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को लेकर के अरविंद केजरीवाल के बयान के हवाले से ईडी ने बताया है कि उनका ये कहना है कि वो विजय नायर उनको रिपोर्ट करता, जबकि विजय नायर मिडिल मैन था, ये ईडी का एलिगेशन रहा है, और विजय नायर अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर काम कर रहा था। आतिशी या सौरभ भारद्वाज से आगे पूछताछ होगी नहीं, इसको लेकर ईडी ने साफ तौर पर कोर्ट में तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हिरासत अवधि के दौरान किन किन लोगों से आमना सामना कराया गया, जहां पर मनीष सिसोदिया के पीएस को लेकर ईडी अपने रिमांड पेपर में साफ साफ कह रही है, वहीं साथ में ये जोड़ रही है कि 2-3 और लोगों से आमना सामना कराकर पूछताछ की गई है। वो 2-3 लोग और कौन है, इसके बारे में अभी खुलकर बात सामने नहीं आई है, और ईडी भी ये जानकारी साझा करने से भी बच रही है, कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी। तो बहुत संभावना इस बात की है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से जुड़े कुछ और लोग हों जिनसे आमना सामना बैठाकर पूछताछ की जा रही हो, और उसके बाद अगर आगे पूछताछ की जरूरत महसूस हुई उनके द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक, तो आगे भी ईडी के पास 4 दिन बचते हैं, उन 4 दिनों का वो यूटिलाइज कर सकती है, सदुपयोग कर सकती है अरविंद केजरीवाल से आगे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने के लिए। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ, अहम जानकारी मेरे सहयोगी अरविंद पहुंचा रहे हैं। पहली बार इस मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आया है, ईडी के वकील ने दोनों का नाम लिया है, एएसजी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। आतिशी और सौरभ को नायर की रिपोर्टिंग, ईडी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। एएसजी का दावा, केजरीवाल ने ईडी को बताया। कुल मिलाकर देखिए अरविंद, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इन दोनों नेताओं का नाम पहली बार इस केस में लिया गया है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या इनकी भूमिका हो सकती है, क्या इस मामले की तह तक जाने के लिए इन्हें भी पूछताछ के लिए क्या जल्द बुलाया जा सकता है, क्या संभावनाएं लगती हैं, ईडी की तरफ से किस संदर्भ में इनका नाम लिया गया, अगर आप विस्तार से ये जानकारी दे सके। देखिए, विजय नायर किसके इशारे पर काम कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है ईडी की इस जांच के केंद्र बिंदु में। और इसी सिलसिले में एक लाइन आज एएसजी एसवी राजू की तरफ से बोला गया है कि अरविंद केजरीवाल मिसलीड कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि विजय नायर उनको नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इतना भर ईडी की तरफ से कहा गया है, और अगर ऐसे में ईडी को ये लगता है कि वाकई केजरीवाल सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, तो वो आगे चलकर आतिशी या सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ कर सकती है, इसमें कोई
बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, ईडी चाहे तो उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन वाकई इस घोटाले की जांच में वो फंसने वाले हैं या नहीं फंसने वाले हैं, इस पर मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, और ये उनके बयानों के आधार पर अगर आगे पूछताछ होती है तो निर्भर करेगा कि ईडी कितनी कन्विंस हो पाती है उनके बयान से। क्योंकि ईडी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई थी कि जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया, जैसा कि उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने बयान दिया था, कि क्या पार्टी के चुनावी खर्च को लेकर के जो फैसले लेने थे क्या वो केजरीवाल लेते या नहीं थे, तो ईडी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि इस बात से भी डिनाई किया था अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने कहा था कि चुनावी खर्चों को। अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर और आ रही है, तिहाड़ के अस्पताल में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा, तिहाड़ जेल में केजरीवाल का मेडिकल होगा, तिहाड़ के अस्पताल में अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होगा। तो आज से जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल भेजे गए हैं तिहाड़ जेल में, अगली 14 तारीख तक अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं, और तिहाड़ जेल में उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेकर तैयारियां की गई हैं, और तिहाड़ जेल में केजरीवाल का सुरक्षा के साथ में उन्हें वहां पर रखा जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था और इंतजाम? देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ से तिहाड़ जेल भेजा जाता है जुडिशियल कस्टडी में, तो संभवतः वो 5 नंबर जेल में रहेंगे, और उस जेल में खासतौर पे हाई लेवल मीटिंग ही जेल प्रशासन ने, जिसमें खुद डीजी तिहाड़ शामिल थे, वो उन्होंने करी है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से बिल्कुल जो उनका सेल होगा या आसपास के जितने सेल होंगे उनमें कैसे किन कैदियों को रखा जाना चाहिए या फिर उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है तिहाड़ प्रशासन के ऊपर होगी, और ऐसे में उसको लेकर जो अप्रैल तक जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल ने रामायण गीता समेत 3 किताबें मांगी, वकील बोले दवाएं भी कराई जाएं मुहैया। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम, ईडी ने कहा केजरीवाल ने कहा सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। दिल्ली में बीजेपी के घोषणा पत्र समिति की बैठक, कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत सभी सदस्य मौजूद, मैनिफेस्टो पर जनता से मांगे सुझावों पर मंथन। बैंक खाते फ्रीज होने के मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, 3,500 करोड़ इनकम टैक्स के मामले में नहीं होगी कार्रवाई, 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। कच्चे थीपू के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के परिवारवाद पर उठाए सवाल, जयशंकर बोले 50 साल पहले मछुआरों की एंट्री पर लगा बैन। अवे फ्रॉम इंडियन टेरिटरी बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस स्मॉल आइलैंड। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने की है तहखाने में पूजा पर रोक की मांग। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अरविंद केजरीवाल से जुड़ा अपडेट, केजरीवाल को जेल की वैन से तिहाड़ ले जाया जाएगा, जेल जाने से पहले होगा अरविंद केजरीवाल का मेडिकल, वैन में 10 अफसरों की देखरेख में जेल जाएंगे केजरीवाल। तो तिहाड़ जेल में केजरीवाल का मेडिकल होगा, तिहाड़ के अस्पताल में होगा मेडिकल, जेल जाने से पहले केजरीवाल का मेडिकल होगा, और केजरीवाल को जेल की वैन से तिहाड़ ले जाया जाएगा। तो 14 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहना होगा अरविंद केजरीवाल को, और कुछ खास मांगे रखी गई हैं उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष, कुछ जरूरत की चीजों के बारे में बताया है कि किस तरह से कुछ दवाओं की और स्पेशल डाइट की अरविंद केजरीवाल को जरूरत है, और देखना होगा कि किन किन चीजों पर कोर्ट की तरफ से सहमति मिली है। बताया जा रहा है कि 3 किताबें भी अरविंद केजरीवाल ने मांगी है, और इस वक्त आपको बता दें बड़ा अपडेट यही है कि तिहाड़ के अस्पताल में मेडिकल होगा। तो वैन में 10 अफसरों की देखरेख में जेल जाएंगे अरविंद केजरीवाल, और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं तो वो गलत है।
ये वही केजरीवाल हैं जिनके पूरे करियर का लॉन्च हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी खासतौर से रामलीला मैदान में, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे को जिस तरह से इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। तो आप केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि पीएम जो भी कर रहे हैं गलत है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी देश के लिए अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत नहीं है मेरे खिलाफ, कोई सबूत नहीं है, इतने पुख्ता सबूत हैं, ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक, अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए और आप ईडी को नहीं देने चाहते, कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते, जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड, देखिए मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ईडी के सोर्स से जो निकल कर आई और जो रिपोर्ट की जा रही है वो है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, उसका कहता था कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं और अरविंद केजरीवाल खुद सुजेस्ट कर रहे हैं कि ईडी को इनकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इनकी भी इंटरोगेशन करनी चाहिए। और सीधी तस्वीरें कोर्ट परिसर से हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कोर्ट परिसर से। अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा तिहाड़ जेल की वैन से, अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा और तिहाड़ ले जाकर उनका मेडिकल होगा। और ये कोर्ट परिसर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दो तस्वीरें अब आप देखिए। पहली तस्वीर साल 2011 की है जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो दूसरी तस्वीर आज की है जब शराब घोटाले के आरोप में केजरीवाल जेल जा रहे हैं। तो एक तरफ साल 2011 की तस्वीर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आंदोलन किया था, और दूसरी तस्वीर आज साल 2024 की जब भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स पे कांग्रेस को बड़ी राहत, आयकर विभाग ने कहा है कि वो चुनाव तक कांग्रेस के खातों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को राहत मिली है, चुनाव तक कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, इनकम टैक्स में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के लिए ये मुद्दा काफी बड़ा और अहम बना हुआ था, लगातार इसको लेकर आरोप पर कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इनकम टैक्स में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने कहा है कि चुनाव तक कांग्रेस के खातों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में खुलकर बातें रखी गई थी और कहा गया था कि इस वजह से हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे खातों को सील कर दिया गया है। और अब कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिलती हुई यहां नजर आ रही है, इनकम टैक्स में कांग्रेस को यहां बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने कहा है कि वो चुनाव तक कांग्रेस के खातों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को ये राहत मिली है क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, और सुप्रीम कोर्ट से अब कांग्रेस को राहत मिलती यहां नजर आ रही है, चुनाव तक कार्रवाई नहीं करेगा इनकम टैक्स। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, इस बड़ी खबर पर भी डिटेल से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, इस मामले को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल जो 1700 करोड़ की वसूली के लिए जो कदम उठाने वाली बात है वो सरकार नहीं उठा रही है, और ऐसे में अभी तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी की याचिका पर। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे और उनका ये कहना था कि ये काफ़ी उदार भरा रवैया था है सरकार का। हालांकि ये बहुत कम मुमकिन होता है कि जब कांग्रेस और बीजेपी या यूं कहें कांग्रेस और केंद्र सरकार के वकील किसी एक मसले पर एक सहमत हो, लेकिन यहां पर अभिषेक मनु सिंह ने तारीफ की और कहा कि ये उदार भरा रवैया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल, तो इनकम टैक्स में कांग्रेस को बड़ी राहत, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। आप देखते रहिए जी न्यूज, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। कि सीबीआई
फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है कोर्ट की इजाजत के बाद जेल में जाकर, और अगर सीबीआई फिर गिरफ्तारी करती है तो फिर सीबीआई कोर्ट में आ सकती है कस्टडी के लिए। मनीष सिसोदिया के मामले में यही हुआ था, पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने। बिल्कुल, आप बने रहिए मेरे साथ में, प्रमोद का भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए कि अगर अरविंद केजरीवाल को आज अदालत से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी, और तिहाड़ के अंदर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, बाकायदा तैयारियां हो रही है जेल नंबर 5 में। जी बिल्कुल, अगर ईडी जो है कस्टडी की मांग नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनकी सुरक्षा और किस जेल में उन्हें रखा जाएगा उसको लेकर दो बार जो है हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, दो दिन तक हुई है और आज भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कि उन्हें कहाँ पर रखा जाएगा। और क्योंकि एक बार कोई भी प्रिजनर अगर जेल के अंदर आ जाता है तो उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही सब कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन अगर आज ये देखना होगा कि जब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो किसी अतिरिक्त सुविधा या फिर रियायत की मांग कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे ही उनको जो है जेल के अंदर जो अतिरिक्त सुविधा या फिर जो कोर्ट की डायरेक्शन होती है उसको वो जेल प्रशासन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो किस तरीके की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो कोर्ट से करेंगे ये भी देखना होगा। बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में सवाल ये भी बरकरार है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये रुख बरकरार रखे हुए है कि जेल से सरकार लगातार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो निर्देश भी जारी करते रहे, अब तक दो महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, तो ऐसे में अगर वो तिहाड़ जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद तो क्या उसके लिए भी इजाजत मांगी जा सकती है? जेल मैनुअल क्या कुछ कहता है, क्या इस तरीके से इससे पहले कोई प्रक्रिया रही है? देखिए बिल्कुल, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के अंदर जो मिलने का वक्त होता है किसी भी भारी व्यक्ति से या परिवार के सदस्य से, वो 10 लोगों की लिस्ट जो है जो कैदी है वो जेल प्रशासन को देता है, और हफ्ते में दो दिन ही 3 घंटे के लिए जो मिलाई है वो होती है, और वो भी एक इस तरीके से मिलाई होती है कि आमने सामने दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में इस मुलाकात को करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात की परमिशन देता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके वकील अगर ये लगाते हैं कि उन्हें लगातार मिलना है, उनको अतिरिक्त जो है मिलने की के जो कोर्ट है डायरेक्शन दे, तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करके परमिशन दे सकता है कि अगर वो बीमार है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट है, उनको दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जाए और साथ में घर का खाना मुहैया कराए, तो ऐसी कई सारी रिलीफ है जो वो कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन जो एप्लीकेशन पे किस तरीके की डायरेक्शन देता है। आज यही देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से ईडी के वकील है वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं कि 10 दिन की टोटल जब से गिरफ्तारी हुई है 10 दिन की रिमांड पे थे, किसी भी कैदी को किसी भी आरोपी को 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड पे लिया जा सकता है, तो 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी जो है वो वक्त को बताना चाहेगी कि अगर कभी कोई सबूत आते हैं और किसी को लेकर जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या फिर कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से वो 4 दिन की रिमांड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए मेरे साथ में, साथ ही अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, और इस समय का बड़ा अपडेट बता दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम और अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने वाली है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल मांग नहीं रखने जा रही है कोर्ट के सामने, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी हलचल है इस समय और साथ ही तैयारी हो रही है इस समय, अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो रही है ईडी की टीम, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये तस्वीरें उस समय की जब ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार लेकर करके और ईडी दफ्तर लेकर आए थे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का भी। अरविंद, अगर आज की सुनवाई का रुख किया जाए तो कितनी बजे पेशी होनी है? करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कितनी लंबी चल सकती है आज की ये सुनवाई? देखिए 11:30 बजे का वक्त है कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक, 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा।
और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं, तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात यह कि अब जुडिशल कस्टडी में जाएंगे तो दो रास्ते खुलते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत अर्जी दाखिल करने का, और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का। क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई कोर्ट में बाद में इजाजत मांगती है पूछताछ करने की, और सीबीआई गिरफ्तार कर फिर कस्टडी मांगती है, फिर दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। फिर उनको दोनों मामलों में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में, फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। अरविंद और शराब घोटाला मामले की जो पहली जांच है वो शुरू ही की थी सीबीआई ने, और इस पूरे मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। अभी मैम किसी को लगा के रखो, मैडम आ गई है, हाँ बेंच बैठी है। तो सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है अदालत के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा और अरविंद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद जरा बताइएगा कि अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तिहाड़ में, जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, साथ ही ये सुरक्षा का भी सवाल होगा, तो ऐसे में किस सुरक्षा के साथ में उन्हें वहां पर रखा जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था और इंतजाम? देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ से तिहाड़ जेल भेजा जाता है जुडिशल कस्टडी में, तो संभवतः वो 5 नंबर जेल में रहेंगे, और उस जेल में खासतौर पे हाई लेवल मीटिंग ही जेल प्रशासन ने, जिसमें खुद डीजी तिहाड़ शामिल थे, वो उन्होंने करी है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से बिल्कुल जो उनका सेल होगा या आसपास के जितने सेल होंगे उनमें कैसे किन कैदियों को रखा जाना चाहिए या फिर उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है तिहाड़ प्रशासन के ऊपर होगी, और ऐसे में उसको लेकर जो मीटिंग की गई है और उसके बाद। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन 15 अप्रैल तक जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल, केजरीवाल ने रामायण गीता समेत 3 किताबें मांगी, वकील बोले दवाएं भी कराई जाए मुहैया। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने कहा केजरीवाल ने कहा सौरभ और आतिशी की को लगातार रिपोर्ट कर रहा था विजय नायर। विधानसभा में आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश, आपके एमएलए ऋतुराज का दावा, बीजेपी ने दिया 25 करोड़ का ऑफर। 25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। 25 दिल्ली में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक, कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत सभी सदस्य हैं मौजूद। मैनिफेस्टो पर जनता से मांगे सुझावों पर भी मंथन। बैंक खाते फ्रीज होने के मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, 3,500 करोड़ इनकम टैक्स के मामले में नहीं होगी कार्रवाई, 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। कच्चा थीवू के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के ऊपर परिवारवाद का बड़ा आरोप लगाया, उठाए सवाल, जयशंकर बोले 50 साल पहले मछुआरों की एंट्री पर लगा बैन। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम इंडियन टेरिटरी बट वी आर नॉट वर्क। तो आधा दिन पूरी खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, थोड़ी देर में जेल भेजे जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और जेल जाने से पहले केजरीवाल का मेडिकल भी किया जाएगा। आपको बता दें तिहाड़ में ही होगा उनका मेडिकल, और किस तरह से जाने से पहले भी लगातार वो ये बयान देते नजर आए कि प्रधानमंत्री देश को बर्बाद कर रहे हैं, और जेल जाने से पहले केजरीवाल का मेडिकल कराया जाएगा, और ये एक आम प्रक्रिया है, जब भी कोई जेल भेजा जाता है तो उससे पहले मेडिकल कराया जाता है, और जानकारी ये सामने आ रही है कि तिहाड़ में ही केजरीवाल का मेडिकल कराया जाएगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब इस तरह की जानकारी सामने आती है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया जाता है, लेकिन अब इस मामले में आप देखिए कि तिहाड़ में ही केजरीवाल का मेडिकल कराया जाएगा। तो देखिए ईडी ने केजरीवाल की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेचा की अदालत में पेश किया गया। ईडी की ओर से देखिए अब जो यहां पर
तमाम सबूत यहाँ पर दिखाए गए, तमाम यहाँ पर बातें रखी गई कि किस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे थे। और ये चार बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने रिमांड नहीं मांगी, ये बड़ा अपडेट। ईडी ने रिमांड नहीं मांगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जांच में सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ में हाई लेवल मीटिंग हुई, और साथ ही देखिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तैयारी, ये बड़ा आरोप यहां पर आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर लगाया है, केंद्र पर प्रहार किया है आम आदमी पार्टी ने। तो 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी और तब से लेकर लगातार आम आदमी पार्टी मुखर होकर बोलती रही है कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों की गई, ये गिरफ्तारी एक साजिश है चुनावों से पहले। और इसी के बीच आप देखिए कि ईडी की रिमांड में थे अरविंद केजरीवाल और शराब घोटाले में लगातार उनसे पूछताछ किया जा रहा था। इसी मामले में के कविता से भी पूछताछ किया गया और जो भी सवाल जवाब किए गए उसके बाद ये भी जानकारी सामने आई कि जितने भी आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जाएगा। ईडी की रिमांड के बाद आप देखिए कि लगातार ईडी ये बड़ा आरोप लगाती रही है और कहती रही है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे रिमांड के दौरान सहयोग नहीं करते आए हैं, उन्होंने अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताया है। जेल के अंदर भी लगातार आप देखिए कि किस तरह से जो जांच है उसमें उनका रवैया बिल्कुल भी सहयोग वाला नहीं था। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर कहा कि वो घोटालों के आरोपी हैं। वहीं बीजेपी नेता शाजी अलमी ने कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। ये वही केजरीवाल हैं जिनके पूरे करियर का लॉन्च हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी खासतौर से रामलीला मैदान में, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे को जिस तरह से इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। तो अब केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि पीएम जो भी कर रहे हैं गलत है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी देश के लिए अच्छे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह का रुख कर लेते हैं। अरविंद, अब तिहाड़ जेल भेजा जाएगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, कितना अलग होगा? अब तक ईडी की रिमांड में रह रहे थे, अब न्याय हिरासत रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, अब न्यायिक हिरासत में रहेंगे, जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अभी तक वो ईडी की हिरासत में थे और ईडी इस दरमियान उनसे सवाल जवाब कर सकती थी, पूछताछ कर सकती थी, लेकिन जुडिशल कस्टडी में अब जांच एजेंसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं होगा। जुडिशल कस्टडी में भी किसी आरोपी से पूछताछ हो सकती है, लेकिन इसके लिए बाकायदा कोर्ट की परमिशन की जरूरत होती है। आज ईडी की तरफ से एएसजी एसपी राजू पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। हालांकि उन्होंने इस विंडो को ओपन रखा है कि आगे चलकर अगर ईडी चाहे तो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी ले सकती है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 10 दिन की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की ईडी के पास रही है। नियमों के मुताबिक 14 दिन तक की कस्टडी ले सकती है ईडी, बाकी 4 दिन अभी भी उनके पास बचे हैं और आगे चलकर ईडी से यूटिलाइज कर सकती है इन 4 दिनों को, ऐसा ईडी की तरफ से आज संकेत भी दिए गए हैं। एएसजी का ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे, सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे, उनसे जो पूछा जा रहा है वो उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे, वो अपने डिजिटल डिवाइस मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड नहीं दे रहे। और जब उनसे पूछा गया विजय नायर के बारे में तो वो ये बयान दे रहे हैं कि विजय नायर उन्हें नहीं लेकिन बल्कि सौरभ भारद्वाज आतिशी को रिपोर्ट करता था। कि देखिए किस तरह से उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है ईडी की ओर से और लगातार वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि विजय नायर के संपर्क में आतिशी और सौरभ भारद्वाज थे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस जांच की आज अब क्या आम आदमी पार्टी के और भी नेताओं पर आगे पड़ने वाली है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दोनों का नाम ले रहे हैं। हाँ, अगर ईडी चाहे तो पूछताछ कर सकती है सौरभ भारद्वाज और आतिशी से भी। दोनों आज कोर्ट में आए भी थे, दोनों कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हुए भी नजर आए व्यक्तिगत तौर पर। ईडी दोनों से पूछताछ कर सकती है अगर चाहे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कि ईडी ने जिस संदर्भ में नाम लिया है वो समझना जरूरी है। ईडी आज जो कोर्ट में बयान रखा गया उसके हिसाब से सौरभ भारद्वाज या आतिशी के रोल को लेकर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है। एएसजी एसपी राजू दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लेकर के जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं,
और ये बात इसलिए भी पुष्टि होती है कि जब आप रिमांड आज जो ईडी की तरफ से जो पेपर है उसको पढ़ते हैं उसमें ईडी साफ कर रही है कि अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया विजय नायर को लेकर के तो उन्होंने बताया कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को वो रिपोर्ट करते हैं, मेरी उनसे सब जानकारी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम संपर्क उनका रहा है। लेकिन ईडी आगे इसमें कहती है कि एक ऐसा शख्स विजय नायर जो कि सीएम ऑफिस के कैंप में रहा, उसकी अरविंद केजरीवाल से कोई संपर्क ना रहा हो, उनके इशारे पर वो काम नहीं कर पा रहा हो, ये बात समझ से परे है। और जब इस बारे में पूछा गया कि फिर वो सीएम ऑफिस के कैंप में कैसे रह रहे हैं विजय नायर, तो इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी का आरोप ये है दरअसल कि अरविंद केजरीवाल मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में वो इन दोनों नामों को उछाल करके ये चाहते हैं कि विजय नायर के साथ जो उनकी नज़दीकियाँ हैं वो जांच एजेंसी के सामने ना आए। और ये सब कहकर के बेसिकली एएसजी राजू का ये कहना था कि किस तरह से ये अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उन्होंने ईडी जो सवाल जवाब कर रही है उसको गुमराह करने की कोशिश की है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास जल्द। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश आम आदमी पार्टी ये कह रही है। आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज ने ये बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। तो विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है, 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया है, 10 विधायक तोड़ने पर मंत्री बनाने का भी ये ऑफर दिया गया है। लगातार आम आदमी पार्टी मुखर होकर इस मामले में बोलती आई है और आरोप लगाती रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कल दरियापुर में 9:15 के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोगों को पहले से जानकारी थी कि मैं वहां पर जाने वाला हूं। 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ, आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी, 25-25 करोड़ रुपया देंगे और मंत्री पद देंगे आपको, 10 विधायकों का टारगेट, आप पूर्वांचल के नेता हो, आपके संपर्क में बहुत है, पुराने साथी हो आप सब। और सीधे आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हो गया कि देश में अगर लोकतंत्र को खतरा है, बाबा साहब के लिखे संविधान को खतरा है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। पूरे देश में लगातार असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से विधायकों, सांसदों की खरीद फरोख्त करके, दबाव बना के, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के नाम पे लगातार इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अस्थिर करती रही है। दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, एक समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की, और अभी इधर दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, पंजाब के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश हुई जिसके ऊपर खुलासा किया पंजाब के विधायक साथियों ने, और अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, हमने बेसिर पैर के आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं, और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे,
और सत्ता में पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं और वो मरते दम तक दिल्ली की सेवा की, दिल्ली की जनता की सेवा की जो प्रतिज्ञा ली है वो आप प्रतिज्ञा अरविंद केजरीवाल जी के गाइडेंस में पूरी करती रहेंगे। आज सदन के पटल पे हमारे किराली से विधायक ऋतुराज जी ने, संजीव झा जी ने, राजेश गुप्ता जी ने, इन तमाम लोगों ने उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने उछल कपट करने की कोशिश की उसकी बयानगी बताई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की तरह ही आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी कहना है चाहे कुछ भी कर लो हमारा जीवन देश की सेवा को समर्पित है। इस पूरे मामले में दिलीप जी क्या पुलिस से कोई शिकायत की गई है कि मामले में जांच होना चाहिए, इस मामले के आप लोग पुलिस का रुख करेंगे अगर आपको लगता है कि नंबर जारी कर रहे हैं? जनाब पूरी दिल्ली और पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पुलिस क्या, ईडी क्या, सीबीआई क्या, इनकम टैक्स क्या, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। आप देखिए क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल जी को जुडिशियल कस्टडी में जाने देकर ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही है। पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं, पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है, लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो स्टार कैंपेनर्स है ईडी और सीबीआई वो बेनकाब हुए और आम आदमी पार्टी की बात सही साबित हुई। धन्यवाद। सुन रहे थे आप, आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप यहाँ पर लगाए गए, आम आदमी पार्टी विधायकों को लालच दिया गया, 25-25 करोड़ देने की बात यहाँ पर कही गई। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, दिल्ली को राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है ऐसा आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना, और आम आदमी पार्टी को विधायकों को खरीदने की कोशिश 25-25 करोड़ की बात यहाँ पर कही जा रही है। देश भर में ऑपरेशन लोटस चलाने की बात आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई। तो दिलीप पांडे का यहाँ पर बड़ा आरोप, ईडी का मकसद पूछताछ बिल्कुल भी नहीं था, और अगर ऐसा होता तो जिस तरह से जुडिशियल कस्टडी दी गई है वो नहीं दी जाती। केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना उनका मकसद था और यही कारण है कि उनको जेल भेजा गया। इसी के साथ साथ बड़ा आरोप लगाते हुए, खरीद फरोख्त की बात करते हुए और विधायकों को खरीदने की बात एक तरफ दिलीप पांडे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं विधायक ऋतुराज भी ये कहते नजर आए कि 25-25 करोड़ रुपए देकर बीजेपी ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की है। तो लोकसभा चुनावों से लेकर आप देखिए अरविंद केजरीवाल के जेल जाने तक क्या कुछ कहा दिलीप पांडे ने, आइए आपको सुनवाते हैं। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, हमने बेसिर पर के आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं, और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे और सत्ता में पावर में बने रहोगे। लेकिन ये सारे प्रलोभनों को देने के दौरान भाजपा ये फिर से भूल गई कि आम आदमी पार्टी के विधायक भगत सिंह के चेले हैं, अरविंद केजरीवाल जी के। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आप देखिए कैसे एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद भी जुड़ गए। अरविंद, बड़ा सवाल ये कि कहीं ना कहीं बात कही जा रही थी और आम आदमी पार्टी लगातार यही आरोप लगा रही थी कि चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है, और देखिए किस तरह से अब ये पूरा मामला एक ऐसा मोड़ ले रहा है कि ऑपरेशन लोटस की बात कही जा रही है, 25-25 करोड़ रुपए देकर विधायकों को खरीदने की बात तक कहने लगे हैं। बिल्कुल,
आम आदमी पार्टी का तो ये बड़ा आरोप रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो हुई है वो राजनीति से प्रेरित है, और एक ऐसे वक्त में ये गिरफ्तारी हुई है जब चुनाव बहुत नज़दीक हैं, और निचली अदालत में भी और हाईकोर्ट में भी उनकी तरफ से वकील ये बात रखते आए हैं कि अगर इतने ही महत्वपूर्ण सबूत ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे तो फिर उनकी गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं हुई। और पिछली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बयान में भी ये कहा था कि ईडी के दो ही मकसद हैं, पहला आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना और दूसरा जाँच की आड़ में उगाही करना। तो ईडी पर राजनीति से प्रेरित होकर के कार्रवाई करने का आरोप लगाते रहे हैं आम आदमी पार्टी, और उनका ये भी एलिगेशन रहा है कि गिरफ्तारी जानबूझकर ऐसे वक्त में की गई है ताकि चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जा सके, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के मकसद से ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है। अरविंद बिल्कुल, और साथ ही जो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में थे, ईडी की रिमांड में थे, और लगातार जो उनसे कभी वकील मिलने आ रहे हैं, कभी परिवार के लोग मिलने आ रहे हैं, घर से खाना आ रहा है, अब जब उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाएगा, भेजा जाएगा, तब क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? हाँ बिल्कुल, जुडिशियल कस्टडी में रहते हुए भी उनको घर का खाना मिल सकता है, दवाइयाँ जो उन्होंने मांगी है वो उपलब्ध हो सकती है, जो किताबें उन्होंने मांगी है वो उपलब्ध हो सकती है। ये कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पर कोर्ट को कोई खास ऐतराज होगा। ईडी की हिरासत के दौरान भी उन्हें घर का खाना और दवाइयाँ उपलब्ध होती रही हैं, और जेन मैनुअल के हिसाब से ये सब भी उनको सुविधाएँ उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो सरकार चलाने के लिए जो उत्तरदायित्व उनका है उसको बखूबी निभा पाएंगे जेल के अंदर, उसमें बहुत सारी व्यवहारिक जटिलताएँ हैं। मसलन बड़ा सवाल कैबिनेट के फैसलों की गोपनीयता का है। जेल के अंदर वो माहौल नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल अपने साथी मंत्रियों के साथ उस तरीके से विचार विमर्श कर पाते हैं जिस तरीके से वो जेल के बाहर कर पाएंगे, और ऐसे में किस तरीके से वो सुचारू रूप से सरकार चला पाएंगे इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि आरपी एक्ट के मुताबिक सिर्फ कोई सांसद या विधायक तभी अयोग्य करार होता है जब सरकार चलाने के लिए तमाम जो दस्तावेज है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आएंगे, उनका क्या वो दस्तखत कर पाएंगे जेल में रहते हुए? इसको लेकर क्या जेल मैनुअल की तरफ से कोई जानकारी आपके पास? देखिए बहुत सारे सवाल हैं, फाइलों पर दस्तखत कैसे करेंगे अरविंद केजरीवाल ये अपने आप में एक सवाल है, जो कैबिनेट की अगर वो मीटिंग करते हैं तो उसकी सीक्रेसी कैसे मेंटेन रख पाएंगे ये अपने आप में एक सवाल है। जेल के अंदर जो कैदी होता है वो जिन कागजों पर हस्ताक्षर करता है उस पर काउंटर साइन होते हैं जेल अथॉरिटी के, और ऐसे में ये भी एक अपने सवाल है कि अगर वो कैबिनेट की फाइल को सिग्नेचर करेंगे तो क्या उस पर भी साइन होंगे? होंगे तो फिर कैसे सीक्रेसी रहेगी? तो बहुत सारी व्यवहारिक जटिलताएं हैं जेल के अंदर सरकार चलाने को लेकर के। उन व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए अरविंद केजरीवाल अगर चाहे तो भविष्य में देखिए तमाम बातें भी अब सामने निकल कर आ रही है, किस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बड़ा आरोप ईडी की ओर से। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, धार भोजशाला के सर्वे पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। लगातार सर्वे यहां चल रहा था आपको बता दें, और 11वें दिन का सर्वे करने के लिए सोमवार को टीम भी अपने समय अनुसार वहां पहुंची, और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने यह अर्जी दी थी। और किस तरह से अब आप देखिए कि सर्वे के दौरान अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक की बात नहीं कही है, यानी अब रोक उस पर नहीं लगेगी। एएसआई का जो सर्वे चल रहा था वो चलता ही रहेगा। मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त। तो वाराणसी के ज्ञानवापी की तरह ही भोजशाला में सर्वे किया जा रहा था। 22 मार्च को ये सर्वे शुरू हुआ था, भोजशाला में सर्वे चल रहा था, इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर लगा है, और ऐसे में लगातार अब ये माना जा रहा है कि रोक पर से जो सुनवाई यहाँ पर जो हुई है इस पर जो है रोक लगाने से इनकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कर दिया गया। हमारे सहयोगी लगातार अरविंद जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अरविंद, भोजशाला में जो सर्वे चल रहा था इस पर रोक की मांग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बिल्कुल, 22 मार्च से एएसआई वहां पर सर्वे कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे की जो पूरी कवायद चल रही है उस पर रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि बिना कोर्ट की अनुमति के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, यानी सर्वे पर कोई रोक नहीं है लेकिन सर्वे के आधार पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके लिए कोर्ट की इजाजत जरूरी होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कोर्ट ने साफ किया है कि सर्वे के दौरान वहां पर खुदाई का कोई काम नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, थोड़ी बहुत खुदाई वहां पर हुई है ऐसा मुस्लिम पक्ष का एलिगेशन भी था, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर्वे चल सकता है और सर्वे चल भी रहा है। 22 मार्च से ही सर्वे शुरू हो गया था, लगातार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि आप देखिए किस तरह से सर्वे पर रोक नहीं है लेकिन खुदाई नहीं की जानी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और आधा दिन पूरी खबर में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।
अब डबल एम रिब्स के साथ को एंटरटेन नहीं करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो फिर सीबीआई के लिए भी एक रास्ता खुलता है। बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि सीबीआई फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है कोर्ट की इजाजत के बाद जेल में जाकर, और अगर सीबीआई फिर गिरफ्तारी करती है तो फिर सीबीआई कोर्ट में आ सकती है कस्टडी के लिए। मनीष सिसोदिया के मामले में यही हुआ था, पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने। बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए मेरे साथ में, प्रमोद का भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए कि अगर अरविंद केजरीवाल को आज अदालत से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी, और तिहाड़ के अंदर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, बाकायदा तैयारियां हो रही है जेल नंबर 5 में। जी बिल्कुल, अगर ईडी जो है कस्टडी की मांग नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनकी सुरक्षा और किस जेल में उन्हें रखा जाएगा उसको लेकर दो बार जो है हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, दो दिन तक हुई है और आज भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कि उन्हें कहाँ पर रखा जाएगा। और क्योंकि एक बार कोई भी प्रिजनर अगर जेल के अंदर आ जाता है तो उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही सब कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन अगर आज ये देखना होगा कि जब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो किसी अतिरिक्त सुविधा या फिर रियायत की मांग कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे ही उनको जो है जेल के अंदर जो अतिरिक्त सुविधाएँ या फिर जो कोर्ट की डायरेक्शन होती है उसको वो जेल प्रशासन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो किस तरीके की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो कोर्ट से करेंगे ये भी देखना होगा। बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में सवाल ये भी बरकरार है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये रुख बरकरार रखे हुए हैं कि जेल से सरकार लगातार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो निर्देश भी जारी करते रहे, अब तक दो महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, तो ऐसे में अगर वो तिहाड़ जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद तो क्या उसके लिए भी इजाजत मांगी जा सकती है? जेल मैनुअल क्या कुछ कहता है, क्या इस तरीके से इससे पहले कोई प्रक्रिया रही है? देखिए बिल्कुल, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के अंदर जो मिलने का वक्त होता है किसी भी भारी व्यक्ति से या परिवार के सदस्य से वो 10 लोगों की लिस्ट जो है जो कैदी है वो जेल प्रशासन को देता है, और हफ्ते में दो दिन ही 3 घंटे के लिए जो मिलाई है वो होती है, और वो भी एक इस तरीके से मिलाई होती है कि आमने सामने दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में इस मुलाकात को करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात की परमिशन देता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके वकील अगर ये लगाते हैं कि उन्हें लगातार मिलना है, उनको अतिरिक्त जो है मिलने की के जो कोर्ट है डायरेक्शन दे, तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करके परमिशन दे सकता है कि अगर वो बीमार है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट है, उनको दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जाए और साथ में घर का खाना मुहैया कराए, तो ऐसी कई सारी रिलीफ है जो वो कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन जो एप्लीकेशन पे किस तरीके की डायरेक्शन देता है। आज यही देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से ईडी के वकील है वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं कि 10 दिन की टोटल जब से गिरफ्तारी हुई है 10 दिन की रिमांड पे थे, किसी भी कैदी को किसी भी आरोपी को 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड पे लिया जा सकता है, तो 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी जो है वो वक्त को बताना चाहेगी कि अगर कभी कोई सबूत आते हैं और किसी को लेकर कुछ जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या फिर कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से वो 4 दिन की रिमांड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ईडी बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ में, साथ ही अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, और इस समय का बड़ा अपडेट बता दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम और अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने वाली है ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल मांग नहीं रखने जा रही है कोर्ट के सामने, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी हलचल है इस समय, और साथ ही तैयारी हो रही है इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो रही है ईडी की टीम, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये तस्वीरें उस समय की जब ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार लेकर करके और ईडी दफ्तर लेकर आए थे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का भी। अरविंद, अगर आज की सुनवाई का रुख किया जाए तो कितनी बजे पेशी होनी है? करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कितनी लंबी चल सकती है आज की ये सुनवाई? देखिए 11:30 बजे का वक्त है कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक, 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा।
और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं, तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात ये कि अब जुडिशल कस्टडी में जाएंगे तो दो रास्ते खुलते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत अर्जी दाखिल करने का, और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का। क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई कोर्ट में बाद में इजाज़त मांगती है पूछताछ करने की, और सीबीआई गिरफ्तार कर फिर कस्टडी मांगती है, फिर दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। फिर उनको दोनों मामलों में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। अरविंद और शराब घोटाला मामले की जो पहली जांच है वो शुरू ही की थी सीबीआई ने, और इस पूरे मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। तो सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है अदालत के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा और अरविंद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, जरा बताइएगा कि अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तिहाड़ में, जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, साथ ही ये सुरक्षा का भी सवाल होगा, तो ऐसे में किस सुरक्षा के साथ में उन्हें वहां पर रखा जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था और इंतजाम? देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ से तिहाड़ जेल भेजा जाता है जुडिशल कस्टडी में, तो संभवतः वो 5 नंबर जेल में रहेंगे, और उस जेल में खासतौर पे हाई लेवल मीटिंग ही जेल प्रशासन ने, जिसमें खुद डीजी तिहाड़ शामिल थे, वो उन्होंने करी है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से बिल्कुल जो उनका सेल होगा या आसपास के जितने सेल होंगे उनमें कैसे किन कैदियों को रखा जाना चाहिए या फिर उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है तिहाड़ प्रशासन के ऊपर होगी, और ऐसे में उसको लेकर जो मीटिंग की गई है, और उसके बाद बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो चुकी है ईडी की टीम, बस थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाना है, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनकी पेशी होनी है, और सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ वहां पर। देखिए गाड़ियों का काफिला किस तरीके से भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के अधिकारी रवाना हुए हैं, ये पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी होनी है अरविंद के। 15 अप्रैल तक जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने रामायण गीता समेत 3 किताबें मांगी। वकील बोले दवाएं भी कराई जाए मुहैया। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने कहा, केजरीवाल ने कहा सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। आम आदमी पार्टी का ईडी और बीजेपी पर बड़ा आरोप। दिलीप पांडे बोले, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश बीजेपी कर रही है, ऑपरेशन लोटस। हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को। विवादित बयानों पर चुनाव आयोग की बीजेपी कांग्रेस को चेतावनी। सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष के बयानों पर रखी जाएगी नजर, बयानों पर सावधानी बरतने की नसीहत। खाते फ्रीज होने के मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत। 3,500 करोड़ इनकम टैक्स के मामले में नहीं होगी कार्रवाई। 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक। कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह समेत सभी सदस्य मौजूद। मैनिफेस्टो पर जनता से मांगे सुझावों पर मंथन। और आधा दिन पूरी खबर आप देख रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। 15 अप्रैल तक जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने रामायण गीता समेत 3 किताबें मांगी। वकील बोले दवाएं भी मुहैया कराई जाए। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश। आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज ने विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। कहा 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया।
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा दिल्ली को लूटने वालों को भेजा गया जेल। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने कहा केजरीवाल बोले सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था। विजय नायर। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में ही होगा मेडिकल, बीपी और शुगर को चेक करेगी डॉक्टर्स की टीम। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा रोकने की मांग की। सुनवाई के दौरान एएसजी बोले केजरीवाल ने सवालों का नहीं दिया जवाब। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे बोले देश भर में चलाया जा रहा है ऑपरेशन लोटस, विधायकों को तोड़ने की कोशिश। आम आदमी पार्टी का दावा, कहा केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना मकसद, दिल्ली में रची जा रही बड़ी साजिश। दिल्ली में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक, मैनिफेस्टो पर जनता से मांगे सुझावों पर मंथन, राजनाथ सिंह भी मौजूद। इनकम टैक्स में कांग्रेस को बड़ी राहत, चुनाव तक कांग्रेस के खातों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा आयकर विभाग। 3500 करोड़ इनकम टैक्स के मामले में नहीं होगी कार्रवाई, 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, पटियाला के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष को चुनाव आयोग की बड़ी चेतावनी, दोनों ने दिया था विवादित बयान। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने मुख्तार अंसारी को बताया देशद्रोही, ओवैसी पर भी साधा निशाना। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने की है तहखाने में पूजा पर रोक की मांग। मथुरा के शाही ईदगाह की सीढ़ियों पर हिंदू महिलाओं ने की पूजा, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनावी अभियान का आगाज, पूजा पाठ के साथ सारण में किया शंखनाद, बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी से है टक्कर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका वापस ली, हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी पार्टी का स्थापना दिवस, देश भर में होगा कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली के जगतपुर इलाके में घुसा तेंदुआ, तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल, वन विभाग की टीम ने पकड़ा तेंदुआ। उत्तर प्रदेश के बांदा में महिला जज को मिली धमकी, पुलिस ने केस दर्ज किया, 3 लोगों पर बड़ा आरोप। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रही है बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। तो एक तरफ राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश वहीं दूसरी ओर देखिए आप, विधायकों को लगातार लालच दिया जा रहा है, ऑपरेशन लोटस की कोशिश की जा रही है दिल्ली में, और दिलीप पांडे को आपने सुना। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज का भी बड़ा बयान सामने आया, उनका कहना है कि 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, पूरी दिल्ली पूरा देश केजरीवाल के साथ है, और लगातार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश की जा रही है, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। आज देखिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और 2 तस्वीरें आपके सामने, अब जेल में रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तिहाड़ जेल उन्हें भेजा जाएगा, और ईडी की रडार पर अब आतिशी और सौरभ भी नजर आ रहे। देखिए आज पहली बार कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी नाम लिया गया, किस तरह से ये दोनों आज मौजूद भी थे कोर्ट में, और इन दोनों का नाम लिया गया है। माना यह जा रहा है कि आगे की जो जांच है ये इनके दायरे में आ सकती है, इन तक पूछताछ हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो विजय नायर को लेकर एक बड़ा बयान, और आप देखिए किस तरह से ईडी की बात को रखते हुए ये कहा गया कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में यह बयान दिया कि विजय नायर संपर्क में था आतिशी और सौरभ भारद्वाज के। तो आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला, उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोकतंत्र को खतरा है। दिल्ली के अंदर भी हमने देखा एक समय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की, और अभी इधर दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, पंजाब के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश हुई, जिसके ऊपर खुलासा किया पंजाब के विधायक साथियों ने, और अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके
या कहा जा रहा है कि देखो जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और हमने बेसिर पर के आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। और जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को, और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। और सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कह रहे हैं इन्नी जी, जो केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं बल्कि आज जो फाउंडर मेंबर और सदस्य रही हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी के इस पूरे अभियान और पार्टी की, उस हैसियत से भी आज, जैसे मैं कह सकता हूँ एक भुक्तभोगी की हैसियत से, आज अपने अनुभवों को साझा करेंगी। और आपका छोटा भाई शहजाद पुनावाला भी आपके बीच में है। मैं आग्रह करूँगा कि सुधांशु जी आप प्रारंभ करें। मित्रों, आप सब ने देखा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था। और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया, परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए, और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे, और हिंदी में कहावत होती है गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हो लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए, और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे, अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से ये दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है।
चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हुतो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। ये गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ ये भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। अब शादिया जी आपको संबोधित करेंगे। आवाज आ रही है? नमस्कार, आदाब। जैसे कि शेर है, इतनी खुदगर्जी बेसबब नहीं केजरीवाल, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो क्या पर्दादारी है भाई साहब, बताइए तो। क्यों बार बार कोर्ट्स भी और ईडी भी कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा है केजरीवाल जी से। साथियों, 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहां मौजूद थे, और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई इस दिन के लिए सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया, एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। गुरु अन्ना जी के बारे में तो बताया ही सुधांशु भाई ने, लेकिन एक एक करके आपने देखा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबसे पहले मैं इस पर निकली, मयंक गांधी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग बिछड़े सभी बारी बारी। ये तो बात है पुराने साथियों की, जिसमें एडमिरल रामदास जो कि अंदर के उनके लोकपाल थे, उनको भी बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला गया। अब साथियों सोचे, नए साथियों की बात करते हैं। सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे।
तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपने देखा कि किस तरह से यहां पर केजरीवाल को घेरा जा रहा है। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अतिरिक्त किसी दूसरी गाड़ी में जो है वो तिहाड़ के अंदर जमा कराया जाएगा और साथ में जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे वो तिहाड़ प्रशासन को दिए जाएंगे ताकि जो कोर्ट की डायरेक्शंस होंगी उसके हिसाब से जो है तिहाड़ जेल जो है व्यवस्था कर सके। अरविंद केजरीवाल को कोई अतिरिक्त अगर रियायत जो है कोर्ट की तरफ से मिलती है तो उस कोर्ट के ऑर्डर को जो है उसे पूरी तरीके से अमल में लाया जा सके। आज देखना यही होगा कि ईडी की तरफ से जो वकील पेश होते हैं वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं और साथ में जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील होते हैं तो वो किस तरीके की रियायत की जो है मांग करते हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को इस तरीके की अतिरिक्त रियायत देनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में लगातार जो है वो अगर दिल्ली की जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं, सरकार ना चलाने को लेकर कोई कानून नहीं है तो वो उनको। प्रमोद शर्मा, दिल्ली शराब घोटाले की अगर बात करें तो अन्य आरोपी जो है क्या वो भी तिहाड़ जेल के अंदर, किस जेल के अंदर है, क्या उनसे अलग रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को? जी बिल्कुल, जो जेल के अंदर कैदी जाता है तो उसके अल्फाबेटिकल जो नाम का अल्फाबेटिकल होता है उसके हिसाब से उन्हें भेजा जाता है या फिर सुरक्षा के लिहाज से उन्हें किसी दूसरी जेल में भी शिफ्ट किया जाता है। ऐसी जगह पे रखा जा सकता है जहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हो। जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईडी उनकी जो कस्टडी है उसे आगे बढ़ाने की अपील दाखिल नहीं करेगी, ऐसे में न्यायिक हिरासत की मांग करेगी ईडी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आगे बढ़ाने का इस समय कोई जो प्रक्रिया है वो नहीं चल रही है और दिल्ली पुलिस की टीम ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। लगातार हलचल तेज है इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है और सूत्रों के हवाले के से मिल रही जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल के जेल नंबर 5 के अंदर अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है और अगर वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो वो ईडी दफ्तर की बजाय तिहाड़ जेल में रहेंगे, यानी मजिस्ट्रेट की कस्टडी के अंदर अरविंद केजरीवाल होंगे और तिहाड़ जेल में अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक और जेल नंबर 5 में उन्हें रखने की तैयारी की गई है। तो तिहाड़ जेल के जेल नंबर 5 के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखने की तैयारी हो रही है, ईडी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। और देखिए आज क्या तिहाड़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, यह सवाल बरकरार है, नजरें कोर्ट पर लगी हुई हैं। जमानत नहीं मांगेगी अरविंद केजरीवाल की और दूसरी बात ईडी की तरफ से भी जमानत की जो कस्टडी है उसे बढ़ाने की मांग नहीं की गई है। तो ऐसे में दोनों ही तरफ से ना तो अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है और वहीं ईडी की तरफ से भी कस्टडी को बढ़ाने के लिए कोई मांग नहीं की गई है। और कस्टडी नहीं मांगने के मायने क्या है वो भी समझ लीजिए। तो क्या ईडी को सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं? ये सवाल इसलिए बरकरार है कि कस्टडी को बढ़ाने के लिए किसी तरीके की जो याचिका है वो नहीं लगाई गई है। क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्योंकि इससे पहले तक ईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने आईफोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। क्या ईडी को अहम सबूत मिल चुके हैं और इसीलिए अब कस्टडी ईडी नहीं मांग रही है? यह भी सवाल बरकरार है। और क्या सभी कड़ियां जोड़ने में कामयाब रही है ईडी? क्योंकि जाहिर तौर पर कोर्ट में यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि क्या ईडी वो तमाम कड़ियां जिनके लिए गिरफ्तार किया था उसने अरविंद केजरीवाल को, उन्हें वो कड़ियां जोड़ने में कामयाबी मिल पाई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद शर्मा और अरविंद। सबसे पहले अरविंद मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जाहिर तौर पर कानूनी पक्ष के लिहाज से अगर देखा जाए तो ना तो अरविंद केजरीवाल ने जमानत की अपील दाखिल की है, न ही ईडी की तरफ से जो कस्टडी एक्सटेंड करने को लेकर कोई याचिका लगाई गई है, यानी यह माना जाए कि जुडिशियल कस्टडी का रास्ता बनता दिख रहा है। बिल्कुल प्रणय, हमारे जो सहयोगी प्रमोद हैं उनकी ये जानकारी है कि ईडी कस्टडी की मांग नहीं करेगी और ऐसी सूरत में फिर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। इसके दो मायने हैं, अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईडी आगे कस्टडी की मांग नहीं कर सकती। 4 दिन का वक्त उनके पास रहेगा और आगे भी जाकर ईडी कोर्ट की इजाज़त के बाद आगे चलकर अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में ले सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। 4 दिन का वक्त उनके पास आगे भी रहेगा। दूसरा ये कि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के लिए रास्ता खुल जाएगा, वो जमानत की अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जब तक कस्टडी की अर्जी यहाँ पर पेंडिंग थी तब तक सामान्यतः कोर्ट जमानत की अर्जी को एंटरटेन नहीं करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अगर वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो फिर सीबीआई के लिए भी एक रास्ता खुलता है। बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि सीबीआई
फिर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है कोर्ट की इजाजत के बाद जेल में जाकर, और अगर सीबीआई फिर गिरफ्तारी करती है तो फिर सीबीआई कोर्ट में आ सकती है कस्टडी के लिए। मनीष सिसोदिया के मामले में यही हुआ था, पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने। बिल्कुल मेरे साथ में प्रमोद का भी रुख कर लेते हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए कि अगर अरविंद केजरीवाल को आज अदालत से जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है तो दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी, और तिहाड़ के अंदर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, बाकायदा तैयारियां हो रही है जेल नंबर 5 में? जी बिल्कुल, अगर ईडी जो है कस्टडी की मांग नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनकी सुरक्षा और किस जेल में उन्हें रखा जाएगा उसको लेकर दो बार जो है हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, 2 दिन तक हुई है और आज भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कि उन्हें कहाँ पर रखा जाएगा। और क्योंकि एक बार कोई भी प्रिजनर अगर जेल के अंदर आ जाता है तो उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही सब कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन अगर आज ये देखना होगा कि जब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो किसी अतिरिक्त सुविधा या फिर रियायत की मांग कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे ही उनको जो है जेल के अंदर जो अतिरिक्त सुविधाएँ या फिर जो कोर्ट की डायरेक्शन होती है उसको वो जेल प्रशासन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो किस तरीके की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो कोर्ट से करेंगे ये भी देखना होगा। बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में सवाल ये भी बरकरार है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये रुख बरकरार रखे हुए हैं कि जेल से सरकार लगातार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो निर्देश भी जारी करते रहे, अब तक 2 महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, तो ऐसे में अगर वो तिहाड़ जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद तो क्या उसके लिए भी इजाजत मांगी जा सकती है? जेल मैनुअल क्या कुछ कहता है, क्या इस तरीके से इससे पहले कोई प्रक्रिया रही है? देखिए बिल्कुल, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के अंदर जो मिलने का वक्त होता है किसी भी भारी व्यक्ति से या परिवार के सदस्य से वो 10 लोगों की लिस्ट जो है जो कैदी है वो जेल प्रशासन को देता है, और हफ्ते में 2 दिन ही 3 घंटे के लिए जो मिलाई है वो होती है, और वो भी एक इस तरीके से मिलाई होती है कि आमने सामने दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में इस मुलाकात को करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात की परमिशन देता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके वकील अगर ये लगाते हैं कि उन्हें लगातार मिलना है, उनको अतिरिक्त जो है मिलने की के जो कोर्ट है डायरेक्शन दे, तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करके परमिशन दे सकता है कि अगर वो बीमार है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट है, उनको दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जाए और साथ में घर का खाना मुहैया कराए, तो ऐसी कई सारी रिलीफ है जो वो कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन जो एप्लीकेशन पे किस तरीके की डायरेक्शन देता है। आज यही देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से ईडी के वकील है वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं कि 10 दिन की टोटल जब से गिरफ्तारी हुई है 10 दिन की रिमांड पे थे, किसी भी कैदी को किसी भी आरोपी को 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड पे लिया जा सकता है, तो 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी जो है वो वक्त को बताना चाहेगी कि अगर कभी कोई सबूत आते हैं और किसी को लेकर जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या फिर कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से वो 4 दिन की रिमांड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ में, साथ ही अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, और इस समय का बड़ा अपडेट बता दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम और अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने वाली है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल मांग नहीं रखने जा रही है कोर्ट के सामने, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी हलचल है इस समय, और साथ ही तैयारी हो रही है इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो रही है ईडी की टीम, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये तस्वीरें उस समय की जब ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार लेकर करके और ईडी दफ्तर लेकर आए थे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का भी। अरविंद, अगर आज की सुनवाई का रुख किया जाए तो कितनी बजे पेशी होनी है? करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कितनी लंबी चल सकती है आज की ये सुनवाई? देखिए 11:30 बजे का वक्त है कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक, 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा
और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं, तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात ये कि अब जुडिशल कस्टडी में जाएंगे तो दो रास्ते खुलते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत अर्जी दाखिल करने का, और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का। क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई कोर्ट में बाद में इजाज़त मांगती है पूछताछ करने की, और सीबीआई गिरफ्तार कर फिर कस्टडी मांगती है, फिर दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। फिर उनको दोनों मामलों में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। अरविंद शराब घोटाले मामले की जो पहली जांच है वो शुरू ही की थी सीबीआई ने, और इस पूरे मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। तो सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है अदालत के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा और अरविंद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, जरा बताइएगा कि अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तिहाड़ में, जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, साथ ही ये सुरक्षा का भी सवाल होगा, तो ऐसे में किस सुरक्षा के साथ में उन्हें वहां पर रखा जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था और इंतजाम? देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ से तिहाड़ जेल भेजा जाता है जुडिशियल कस्टडी में, तो संभवतः वो 5 नंबर जेल में रहेंगे, और उस जेल में खासतौर पे हाई लेवल मीटिंग ही जेल प्रशासन ने, जिसमें खुद डीजी तिहाड़ शामिल थे, वो उन्होंने करी है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से बिल्कुल जो उनका सेल होगा या आसपास के जितने सेल होंगे उनमें कैसे किन कैदियों को रखा जाना चाहिए या फिर उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है तिहाड़ प्रशासन के ऊपर होगी, और ऐसे में उसको लेकर जो मीटिंग की गई है, और उसके बाद बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो चुकी है ईडी की टीम, बस थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाना है, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनकी पेशी होनी है, और सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ वहां पर। ये देखिए गाड़ियों का काफिला किस तरीके से भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के अधिकारी रवाना हुए हैं। ये पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की, और ऐसे में सवाल कई बरकरार हैं। कस्टडी नहीं मांगने के आखिर मायने क्या है? क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्योंकि इससे पहले कहा जाता रहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में क्या ईडी को फोन का पासवर्ड? केजरीवाल ने रामायण गीता समेत 3 किताबें मांगी, वहीं वकील बोले दवाएं भी कराई जाए मुहैया। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने कहा, केजरीवाल ने कहा, सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। आम आदमी पार्टी का ईडी और बीजेपी पर बड़ा आरोप। दिलीप पांडे बोले, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश, वहीं बीजेपी कर रही है ऑपरेशन लोटस। जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली। विवादित बयानों पर चुनाव आयोग की बीजेपी कांग्रेस को चेतावनी। सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष के बयानों पर रखी जाएगी नजर, बयानों पर सावधानी बरतने की नसीहत। बैंक खाते फ्रीज होने के मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत। 3,500 करोड़ इनकम टैक्स के मामले में नहीं होगी कार्रवाई। 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। कच्चा थेवू के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के परिवारवाद पर उठाए सवाल। जयशंकर बोले, 50 साल पहले मछुआरों की एंट्री पर लगा बैन। थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम इंडियन टेरिटरी। और आधा दिन पूरी खबर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजने की तैयारी हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर बैन जो है वो तैनात कर दी गई है। तो थोड़ी देर में केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा, और अभी कोर्ट में ही मौजूद है केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में आपको बता दें कि उसके आसपास के इलाके में बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है, और तिहाड़ जेल की वैन में 10 अफसर भी मौजूद है। तिहाड़ जेल जाकर ही उनका मेडिकल भी कराया जाएगा।
बड़ी जानकारी आपको बता दें कि राइज रेवेन्यू कोर्ट में अभी केजरीवाल की मौजूदगी है और जेल के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तो बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अब ईडी की कस्टडी से सीधे तिहाड़ जेल भेजा जाएगा अरविंद केजरीवाल को और 14 दिन की हिरासत में उन्हें भेजा गया है। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई, तमाम बातें यहां पर ईडी की तरफ से कही गई। ईडी ने यह भी कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल और ऐसे में यह भी बताया गया ईडी की तरफ से कि किस तरह से फोन का नंबर जो है फोन का कोड यहां पर नहीं दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं। राजू राज, खबर आ रही है कि अब कोर्ट के बाहर वैन तैनात कर दी गई है, किसी भी वक्त केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा? देखिए, जो कोर्ट के अंदर है अब वहाँ पर जो कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा और तिहाड़ जेल के बाहर जो गेट नंबर 3 है यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के लगभग एक यूनिट, एक बटालियन यहाँ पर तैनात किया गया, तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेल तिहाड़ जेल के अंदर जेल नंबर 2 और जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है सूत्रों के हवाले से इन्हीं 2 जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल राजू लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गया है। प्रमोद शर्मा, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आप जहां मौजूद है तस्वीरें दिखाएं। देखिए, इस वक्त हम राउस एवेन्यू कोर्ट के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं और ये सामने वाला रास्ता है, यहीं से होकर अरविंद केजरीवाल को जेल वैन में लेकर जाया जाएगा और अभी जो कोर्ट ऑर्डर है उस पर साइन होने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जो राउस एवेन्यू कोर्ट का जो लॉकअप है उसके अंदर रखा गया है, जो कुछ कागजी कार्रवाई है, क्योंकि तिहाड़ जेल में उन्हें भेजते वक्त जो कोर्ट की ऑर्डर कॉपी होती है वो भी जो तिहाड़ प्रशासन है उसे सौंपनी पड़ती है, तो उस पर अभी साइन नहीं हुए थे, उसी का इंतजार किया जा रहा है और जैसे ही कोर्ट ऑर्डर कॉपी पे साइन हो जाएंगे उसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा के बीच यहां से लेके जाया जाएगा। तमाम जो रास्ते हैं उसे पूरी तरीके से क्लियर करवाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी जो है वो अरविंद केजरीवाल को ले जाते वक्त जो है पुलिस की टीम को ना हो, इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। और जो मेडिकल है वो जेल के अंदर ही जाकर होगा और उससे पहले भी यहाँ पर जो मेडिकल है वो करवा के लेके आई थी ईडी की टीम और अब क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है तो जो कोर्ट के ऑर्डर है और जिस चीज़ की मांग जो है अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से की है, उनको जो किताबें मुहैया करानी है, जो स्पेशल डाइट है या फिर कहे कि जो दवाइयां हैं उसके बारे में बताया गया है, तो कोर्ट की ऑर्डर कॉपी को जो है तिहाड़ जेल प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। उससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी जो है वहां पर हाई लेवल मीटिंग करके जो है पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो उन्हें 2 नंबर या फिर 5 नंबर जेल में रखा जाएगा, जिसे पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया गया था और सीसीटीवी कैमरों की नजरों में हर वक्त रहेंगे। उनके स्वास्थ्य और उनकी डाइट का खास ख्याल रखा जाएगा और साथ में कोशिश की जाएगी कि कोई भी दूसरा कैदी उनके जो सेल के आसपास ना आ पाए, और क्योंकि अगले 14 दिन तक अब तिहाड़ जेल के अंदर ही अरविंद केजरीवाल वहां पे रहेंगे, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। मैम एक ही अपनी बताइए, मैम सीएम साहब से आपकी बात नहीं, उनकी तबीयत वगैरह कैसी चल रही है? मैम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल यहां पर कुछ बताने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने साफ तौर पर यहां कहा कि किस तरह से बीजेपी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है जेल में डालना चाहती है। और लगातार हमारे सहयोगी प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, जिस तरह से आप बता रहे थे कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, देखिए राउस एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त वैन तैनात है, 10 अफसर मौजूद है, कितना वक्त लगेगा राउस एवेन्यू कोर्ट से जेल तक पहुंचने में? देखिए, राउस एवेन्यू कोर्ट से जो है करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा, क्योंकि पुलिस जो है जब यहाँ से लेकर निकलेगी तो पूरे रूट को क्लियर कराया जाएगा ट्रैफिक पुलिस के जरिए, ताकि ज़्यादा वक्त ना लग पाए और उन्हें कोर्ट से लेकर जब निकला जाएगा तो बाकायदा वायरलेस के जरिए इस पूरे रूट को पहले से ही डिसाइड कर लिया गया है। बिल्कुल प्रमोद, लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए बड़ा बयान सामने आया है सुनीता केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता तानाशाही का जवाब देगी,
सुनीता केजरीवाल जो कि लगातार अरविंद केजरीवाल के तमाम संदेशों को जनता के सामने पढ़ती रही है और आज जब उन्हें जेल भेजा जा रहा है तो ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। सुनीता केजरीवाल को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनाव के समय केजरीवाल को जेल में डाला जा रहा है और जनता जवाब देगी। प्रमोद, लगातार मुखर होकर सुनीता केजरीवाल बोलती आई हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि देश की जनता ही जवाब देगी, चुनाव की वजह से जेल में डाला जा रहा है। देखिए बिल्कुल टाइमिंग को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी जो है सवाल खड़े कर रही है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जब आदर्श आचार संहिता जो है वो लग गई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है, ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रही है। लेकिन वही अगर बात करें कि ईडी ने सबसे पहला नोटिस जो है अक्टूबर 2023 को भेजा था, लगातार जो है समन को वो स्किप कर रहे थे, उन समन को गैरकानूनी बता रहे थे, और जिसके बाद 9 समन भेजने के बाद जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली, कोई प्रोटेक्शन गिरफ्तारी को लेकर नहीं मिला, उसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी, और उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया गया था तो सारे सबूत कोर्ट को दिखाए गए थे, और उसके बाद ही ईडी की डिमांड पे जो है 10 दिन, कुल 2 बार में 10 दिन रिमांड जो है अरविंद केजरीवाल की मिली थी। और आज भी ईडी ने साफ तौर पे कोर्ट को बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल भी जांच में सहयोग नहीं किया, वो सारे सवालों के जवाब घुमा फिरा कर दे रहे हैं, और उन्होंने जो पासवर्ड मांगे जा रहे थे, जो मोबाइल फोन जब्त किए गए थे उनके पासवर्ड भी वो नहीं दे रहे, इसके लिए बाकायदा एप्पल को भी लिखा था लेकिन वहां से भी जवाब आ गया। और ऐसे में अभी उन्हें फिलहाल अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में कस्टडी की जरूरत पड़ती है तो वो उन्हें दोबारा से 4 दिन के रिमांड पे ले सकते हैं, क्योंकि 4 दिन की रिमांड ही अब बाकी बची हुई है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता है वो लगातार इसे जो है बीजेपी की साजिश बता रहे हैं और ईडी को बीजेपी का हथियार बताते हुए जानबूझ के आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये वो दावा करते हैं। और साथ में मोबाइल फोन के जरिए वो लोकसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है उससे जुड़ी हुई जानकारी है वो हासिल करना चाहते हैं, ऐसे आरोप जो है मंत्री आतिशी लगा रही थी। और आज पहली बार ऐसा हुआ है जब मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों का नाम जो है वो कोर्ट में लिया गया है, बाकायदा जो एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट ईडी की तरफ से की गई थी उसमें उन दोनों के बारे में बताया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि विजय नायर जो कि मेन सूत्रधार था इस पूरी एक्साइज पॉलिसी का, शराब घोटाले का, उसने वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जब ये बात ईडी ने कोर्ट को बताई उस वक्त आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों ही कोर्ट में मौजूद थे, जो जानकारी मिली सौरभ भारद्वाज अपना नाम सुनकर चौंक गए थे और वो सुनीता केजरीवाल की तरफ देखने लगे थे, और आतिशी ने भी इस बाबत सवाल पूछा था लेकिन आतिशी ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि आने वाले दिनों में अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। इससे पहले जो कैलाश गहलोत है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, उनसे भी करीब 5 घंटे पूछताछ की गई थी, और अब कोर्ट में जो है सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम जो है
ईडी ने लिया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन दोनों को भी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। क्योंकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज तक भी जो है पूछताछ की जो आंच है वो आ सकती है। इस वक्त आप राव सवन्यू कोर्ट के बाहर मौजूद है। अब किसी भी वक्त देखिए अरविंद केजरीवाल को वैन में बैठाकर उन्हें ले जाया जाएगा तिहाड़ जेल। और ऐसे में जिस तरह से खबर ये आ रही थी कि हमारे सहयोगी अरविंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आतिशी मौजूद थी कोर्ट में, सौरभ भारद्वाज मौजूद थे, उन दोनों का नाम लिया गया और ऐसे में अब इंतजार हो रहा है अरविंद केजरीवाल के निकासी का कि कब वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे और सीधे तिहाड़ जेल जाएंगे। ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल, कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल में ले जाया जाएगा। और यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि जो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया है उसका संदर्भ क्या है। जब आप ईडी की जो जुडिशियल कस्टडी की मांग वाली जो कॉपी पढ़ते हैं तो उसमें साफ समझ में आता है कि आखिर किस संदर्भ में लिया गया है। और बेसिकली ईडी ये कहना चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और विजय नायर की जहां तक बात है कि जब विजय नायर के बारे में अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और उनके साथ उनका संबंध बहुत सीमित है। लेकिन ईडी इसमें आगे कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर किस हैसियत से विजय नायर सीएम ऑफिस के जो कोअलोट जो कैंप ऑफिस है उसमें रह रहे थे। बिल्कुल अरविंद, और लगातार देखिए किस तरह से बीजेपी भी अब लगातार आम आदमी पार्टी ने जितने भी बड़े आरोप लगाए हैं उस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया है। दिल्ली के अंदर भी हमने देखा एक समय पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की। और अभी इधर दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में भी ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, पंजाब के विधायकों को तोड़ने खरीदने की कोशिश हुई जिसके ऊपर खुलासा किया पंजाब के विधायक साथियों ने। और अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, हमने बेसिर पैर के आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को खत्म करेंगे, तोड़ेंगे। तो बीजेपी ने आरोप लगाया तो वहीं आम आदमी पार्टी भी किस तरह से जवाब दे रही है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इतने पुख्ता सबूत हैं, ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड़ नहीं रहा, आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने मोबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दिए अब तक। अगर आपको छुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए थे, और आप ईडी को नहीं देने चाहते तो कोर्ट में खोल के सबके सामने दिखा देते। जिस जज के सामने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मैं बोला, उसी जज साहब के सामने पासवर्ड दे देते कि देखिए ये पासवर्ड, देखिए मैं सारा फोन खोल के दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये पहले मुख्यमंत्री होंगे दिल्ली के जो कि तिहाड़ में होंगे, और मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ में कुछ शर्म हो तो इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर जो कि कंड्यूट था, जो कि साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच का आदमी था, बिचौलिया था, वह मुझे रिपोर्ट नहीं करता था। उसका कहना था कि केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब ये जो पूरा रैकेट है, बड़ा रैकेट है, इसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी इन्वॉल्व हैं, और अरविंद केजरीवाल खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि ईडी को इनकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए, इनकी भी इंटरोगेशन करनी चाहिए। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री भारत को
भ्रष्टाचार मुक्त करना चाह रहे हैं तो वो गलत है। ये वही केजरीवाल हैं जिनके पूरे करियर का लॉन्च हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, खासतौर से रामलीला मैदान में, जिसके लिए उन्होंने अन्ना हजारे को जिस तरह से इस्तेमाल किया वो हम सब जानते हैं। तो अब केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि पीएम जो भी कर रहे हैं गलत है, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी देश के लिए अच्छे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अरविंद और ऐसे के साथ साथ प्रमोद भी मौजूद है। रुक कर लेते हैं प्रमोद का। ये प्रमोद देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है और एक तरफ बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी इस तरीके के आरोप बीजेपी के ऊपर लगा चुकी है और इसी को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला था और इस पूरे मामले की जांच करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, जिसे फिर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। और आपको याद हुआ क्राइम ब्रांच की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर भी गई थी, आतिशी के घर पर भी गई थी, उन्हें नोटिस दिया था कि जो आरोप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए हैं उससे जुड़े हुए सबूत दीजिए, किसने फोन किया था। लेकिन उसके बाद तक अभी तक कोई ऐसी जानकारी जो है वो क्राइम ब्रांच के साथ साझा नहीं की गई है। वही आरोप अभी भी लगा रही है बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी और वहीं बीजेपी जो है अब हमलावर है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त थी। उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद अब तिहाड़ जेल जा रहे हैं, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो पहले से ही जेल में है, संजय सिंह जेल में है और साथ में सत्येंद्र जैन जो है वो पीएमएलए के केस में जेल में है। तो चार चार जो बड़े नेता हैं वो तिहाड़ जेल के अंदर हैं और जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन करके एक पार्टी बनाई थी, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे थे और आज उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में ही जो है जेल के अंदर जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी की जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांतिकारी वाली जो इमेज थी उसे पूरी तरीके से डेंट करना चाहते हैं। और अरविंद का रुख करना चाहेंगे। अरविंद, अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को सुन रहे थे, सुनीता केजरीवाल, यहां पर कह रही थी कि 11 दिनों तक पूछताछ हुई है, पूछताछ हो चुकी है और आज कोर्ट ने दोषी नहीं पाया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, फिर भी उन्हें जेल भेज दिया गया, सवाल उन्होंने उठाया। देखिए, अभी तो वो स्टेज ही नहीं आई है कि जिसमें अरविंद केजरीवाल को दोषी या बेगुनाह साबित किया जा सके। अभी तो ईडी की रिमांड पर थे वो, अब जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं। अगर कानूनी मुकदमे की हम बात करें तो मुकदमा इस तरीके से आगे बढ़ता है कि फिर चार्जशीट फाइल होती है जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम होगा, उसके बाद चार्जेज फ्रेम यानी आरोप तय होते हैं, आरोप तय करने को लेकर के जिरह होती है। कोर्ट आरोप तय करते वक्त ये तय करता है कि किन किन धाराओं के तहत मुकदमा चलता है। उस वक्त आरोपी को ये मौका दिया जाता है कि वो आरोपों का सामना करेगा या खुद को या मानता है या आरोपों को स्वीकारता है। ज़्यादातर केस में आरोपी स्वीकारता नहीं है तो फिर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद कोर्ट तय करता है कि कोई गुनहगार है या बेगुनाह है। तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल जो कह रही हैं वो एक पत्नी होने के नाते उनकी मार्मिक अपील हो सकती है, वो उसे सियासत से जोड़ सकती हैं। लेकिन अगर कोर्ट की भाषा में कहा जाए तो अभी तो वो स्टेज ही नहीं है जहां पर अरविंद केजरीवाल को दोषी या बेगुनाह साबित करे कोर्ट, वो स्टेज आई ही नहीं है। और आज अरविंद केजरीवाल को जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है वो स्वाभाविक ही था, क्योंकि जिस जांच एजेंसी की हिरासत में वो थे वो आगे हिरासत नहीं मांग रही थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी कोई जमानत अर्जी कोर्ट में पेंडिंग नहीं थी, तो ऐसे में कोर्ट अगर उनको भेजता तो सिर्फ जुडिशियल कस्टडी ही विकल्प हो सकता था। ये बात जरूर है कि इस मामले को लेकर के सियासी आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में जो मुकदमा किसी तरीके से आगे बढ़ता है
ठीक वैसा ही हुआ और जैसा स्वाभाविक था अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ रहा है आज से। और बिल्कुल साफ तौर पर, और देखिए प्रमोद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, लेकिन अरविंद आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एएसजी ने इस बात का जिक्र किया कि विजय नायर के संपर्क में, देखिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान है और गुमराह करने की कोशिश करें, ये ईडी कह रहा है कि विजय नायर के संपर्क में ये दोनों लोग थे, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, तो कहीं ना कहीं गुमराह करने की ही बात अगर कहे, लेकिन इन दोनों का नाम इस पूरे मामले में अब सामने आया है, तो क्या ईडी की जो जांच की आंच है वो इन दोनों तक भी पहुंचेगी आगे? ईडी चाहे तो पूछताछ कर सकती है दोनों से, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह कि ईडी का जो बयान दिया गया है एएसजी की तरफ से, वो खुद सवाल नहीं उठा रहे फिलहाल इन दोनों की भूमिका को लेकर, वो अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे कि इन दोनों का नाम उछाल करके वो खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन मेरे पास वो एप्लीकेशन है जो ईडी की तरफ से कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें ईडी ये मांग कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। उसमें जब शुरुआत होती है तो ईडी ये साबित करती है कि 9 बार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है, यानी 10 दिन की कस्टडी थी, 9 बार उनके बयान दर्ज किए गए हैं, तमाम गवाहों से, सह आरोपियों के बयानों से उनको कन्फ्रंट कराया गया है, और अरविंद केजरीवाल किस तरीके से मिसलीड कर रहे हैं उसे नीचे लिखे उदाहरणों से समझा जा सकता है। और पहला उदाहरण विजय नायर को लेकर हो रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, जब वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे उन्हें सीधे कोर्ट से ले जाया जाएगा तिहाड़ जेल, जहां पर पहले से ही उनके कई साथी भी मौजूद है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और आधा दिन पूरी खबर में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। तो किस तरीके की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो कोर्ट से करेंगे, ये भी देखना होगा। बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में सवाल ये भी बरकरार है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये रुख बरकरार रखे हुए हैं कि जेल से सरकार लगातार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो निर्देश भी जारी करते रहे, अब तक 2 महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, तो ऐसे में अगर वो तिहाड़ जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद, तो क्या उसके लिए भी इजाजत मांगी जा सकती है? जेल मैनुअल क्या कुछ कहता है, क्या इस तरीके से इससे पहले कोई प्रक्रिया रही है? देखिए बिल्कुल, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के अंदर जो मिलने का वक्त होता है किसी भी भारी व्यक्ति से या परिवार के सदस्य से, वो 10 लोगों की लिस्ट जो है जो कैदी है वो जेल प्रशासन को देता है, और हफ्ते में 2 दिन ही 3 घंटे के लिए जो मिलाई है वो होती है, और वो भी एक इस तरीके से मिलाई होती है कि आमने सामने दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में इस मुलाकात को करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात की परमिशन देता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके वकील अगर ये लगाते हैं कि उन्हें लगातार मिलना है, उनको अतिरिक्त जो है मिलने की के जो कोर्ट है डायरेक्शन दे, तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करके परमिशन दे सकता है कि अगर वो बीमार है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट है, उनको दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जाए और साथ में घर का खाना मुहैया कराए, तो ऐसी कई सारी रिलीफ है जो वो कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन जो एप्लीकेशन पे किस तरीके की डायरेक्शन देता है। आज यही देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से ईडी के वकील है वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं कि 10 दिन की टोटल जब से गिरफ्तारी हुई है 10 दिन की रिमांड पे थे, किसी भी कैदी को, किसी भी आरोपी को 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड पे लिया जा सकता है, तो 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी जो है वो वक्त को बताना चाहेगी कि अगर कभी कोई सबूत आते हैं और किसी को लेकर जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या फिर कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से वो 4 दिन की रिमांड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ में, साथ ही अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं, और इस समय का बड़ा अपडेट बता दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम और अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने वाली है ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल मांग नहीं रखने जा रही है कोर्ट के सामने, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी हलचल है इस समय, और साथ ही तैयारी हो रही है इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो रही है ईडी की टीम, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये तस्वीरें उस समय की हैं जब ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार लेकर करके और ईडी दफ्तर लेकर आए थे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का भी। अरविंद, अगर आज की सुनवाई का रुख किया जाए तो कितनी बजे पेशी होनी है? करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कितनी लंबी चल सकती है आज की ये सुनवाई?
देखिए 11:30 बजे का वक्त है, कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा, और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं, तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात यह कि अब जुडिशल कस्टडी में जाएंगे तो दो रास्ते खुलते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, जमानत अर्जी दाखिल करने का, और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का। क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई कोर्ट में बाद में इजाज़त मांगती है पूछताछ करने की, और सीबीआई गिरफ्तार कर फिर कस्टडी मांगती है, फिर दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। फिर उनको दोनों मामलों में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। अरविंद और शराब घोटाला मामले की जो पहली जांच है वो शुरू ही की थी सीबीआई ने, और इस पूरे मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। टाइम लगेगा ना, मैडम आ गई हाँ, बेंच बैठी जी जी। तो सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है अदालत के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा और अरविंद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद जरा बताइएगा कि अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तिहाड़ में, जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, साथ ही ये सुरक्षा का भी सवाल होगा, तो ऐसे में किस सुरक्षा के साथ में उन्हें वहां पर रखा जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था और इंतजाम? देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ से तिहाड़ जेल भेजा जाता है जुडिशल कस्टडी में, तो संभवतः वो 5 नंबर जेल में रहेंगे, और उस जेल में खासतौर पे हाई लेवल मीटिंग ही जेल प्रशासन ने, जिसमें खुद डीजी तिहाड़ शामिल थे, वो उन्होंने करी है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से बिल्कुल जो उनका सेल होगा या आसपास के जितने सेल होंगे उनमें कैसे किन कैदियों को रखा जाना चाहिए या फिर उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, कि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है तिहाड़ प्रशासन के ऊपर होगी, और ऐसे में उसको लेकर जो मीटिंग की गई है, और उसके बाद बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ में, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो चुकी है ईडी की टीम, बस थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाना है, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनकी पेशी होनी है, और सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ वहां पर। ये देखिए गाड़ियों का काफिला किस तरीके से भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के अधिकारी रवाना हुए हैं। ये पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की, और ऐसे में सवाल कई बरकरार हैं। कस्टडी नहीं मांगने के आखिर मायने क्या है? क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्योंकि इससे पहले कहा जाता रहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्या तमाम सबूत और सुराग जो जुटाने की कोशिश कर रही थी ईडी, क्या ईडी को अहम सबूत मिल चुके हैं? यह सवाल भी बरकरार है। क्या सभी कड़ियां जोड़ने में कामयाबी ईडी को हासिल हो चुकी है? वो तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद जरा बताइएगा कि ये जो भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ में रवाना हुई है टीम, जाहिर तौर पर अगर तिहाड़ तक उन्हें ट्रांसफर किया जाना है तो ऐसे में भी पुलिस की तरफ से भारी पुलिस व्यवस्था और इंतजाम किए गए होंगे वहां। बिल्कुल, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है तमाम पुलिस के जवान और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, और इसके लिए के पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किसी तरीके का प्रोसेस यहाँ पर ना कर पाए, क्योंकि जैसे ही अगर अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में भेजा जाएगा तो उसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की ही जो लॉकअप है उसके अंदर जमा करा दिया जाएगा, और शाम को जब बाकी कैदी जो यहाँ पर आते हैं या फिर जो एक पुलिस की प्रोटेक्शन में एक सुरक्षित वाहन में उनको ले जाकर जो है तिहाड़ के अंदर गए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने रामायण गीता समेत 3 किताबें मांगी, वकील बोले दवाएं भी कराई जाए मुहैया। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने कहा कि केजरीवाल ने कहा सौरभ और आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। आम आदमी पार्टी का ईडी और बीजेपी पर बड़ा आरोप। दिलीप पांडे बोले दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश, बीजेपी कर रही है ऑपरेशन लोटस। जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे।
विवादित बयानों पर चुनाव आयोग की बीजेपी और कांग्रेस को चेतावनी। सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष के बयानों पर रखी जाएगी नजर। वहीं बयानों पर सावधानी बरतने की भी नसीहत दी गई। बैंक खाते फ्रीज होने के मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत। 3,500 करोड़ इनकम टैक्स के मामले में नहीं होगी कार्रवाई। 24 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई। जी न्यूज पर रात 9 बजे अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। सबसे बड़े राज से उठेगा पर्दा। देखिए रात 9 बजे डीएनए। भारत में आज भी चल रहा है अंग्रेजों वाला कानून। मीरा भयंदर में प्राइवेट कंपनी की लगान वसूली। आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत बड़ा खुलासा। देखिए डीएनए। और चर्चा में रहने वाली खबरों का शो लेकर हम आपके सामने आए हैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे उसकी जिसकी बातें आज आपके आसपास जरूर हो रही होंगी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जिनकी कल खेली एक पारी ने उनके फैंस का दिल जीत लिया। टीम भले ही हार गई हो, लेकिन कल फैंस को मैदान पर पुराना धोनी दिखा और जगह भी वही थी जहां से माही के मैजिक की शुरुआत हुई थी। रिपोर्ट देखिए। वही पुराना लुक, वही पुराना अंदाज। आईपीएल में विंटेज धोनी के दीवाने हुए फैन। उम्र भले ही 42 हो चुकी हो, साल भले ही 2024 चल रहा हो, लेकिन आईपीएल में कल जो हुआ उसे देख लगा कि जैसे समय का पहिया पीछे मुड़ गया हो। धोनी क्रीज पर थे और लंबे बालों वाले माही का एक हाथ से मारा ये छक्का पुराना धोनी याद दिला गया। धोनी शायद इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बल्लेबाजी की दीवानगी ऐसी फैंस पर छाई है कि टीम की हार का गम तक उन्हें नहीं समाया। विशाखापट्टनम में कल विंटेज माही को देख मानो फैंस की मन मांगी मुराद पूरी हो गई। धोनी क्रीज पर डटे रहे और एक एक कर शॉट्स लगाते रहे। उनके ये शॉट्स फैंस को एक अलग तरह के सुकून दे गए और याद दिला गए कि विशाखापट्टनम में साल 2005 में खेली माही की वो पारी जहां से उनके धमाके और हेलीकॉप्टर शॉट की कहानी शुरू हुई थी। धोनी कल तकरीबन 10 महीने बाद बैटिंग करने उतरे थे। इस सीजन में ये पहला मौका था जब माही की बैटिंग फैंस को देखने को मिली। आईपीएल 2024 सीजन शुरू होने से पहले ही हर किसी का ध्यान इस बात पर था कि एमएस धोनी लंबे बालों के साथ इस बार मैदान में उतरने जा रहे हैं और कल जब धोनी बल्ला लेकर आए तो स्टेडियम में शोर का लेवल कहीं और ही पहुंच गया था। आठवें नंबर पर बैटिंग करने आए धोनी ने दिल्ली के खिलाफ 16 गेंद पर 37 रन की पारी खेली जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। माही ने 231 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए। धोनी की ऐसी बल्लेबाजी देखकर फैंस ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट भी हैरान रह गया कि 42 साल की उम्र में माही की बैटिंग की ताकत आज भी उतनी ही है। जब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करने आए तब चेन्नई को जीत के लिए 23 गेंद में 72 रनों की जरूरत थी। जीत मुश्किल थी लेकिन फैंस को जीत हार से ज्यादा धोनी की बैटिंग का क्रेज था। वो दिल्ली के फैंस हो या फिर चेन्नई के, मैच के बाद भी एक फैन निराश नहीं दिखा।
क्योंकि उन्होंने स्टेडियम में पुराने माही की वो झलक देख ली जिसकी दुनिया दीवानी है। धोनी मार रहे थे और फैंस नाच रहे थे। कुछ इस तरह माही ने एक बार फिर आईपीएल समेत पूरे क्रिकेट को रोशन कर दिया। चेन्नई भले ही 20 रन से हार गई, लेकिन धोनी ने सबका दिल जीत लिया। धोनी इस सीजन में अपने पुराने लंबे बालों वाले अंदाज में दिख रहे हैं, जिसके बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये उनका आखिरी सीजन है और यही वजह है कि वो शुरुआती अंदाज में ही क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। ऐसे में उनकी खेली एक एक गेंद फैंस के लिए बड़ी सौगात से कम नहीं। यही वजह है कि कल की उनकी पारी भी फैंस को हमेशा याद रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है यूपी के तीन माफियाओं से जुड़ी, जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन इन तीनों की पत्नियां अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और सिरदर्द बनी हुई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब पुलिस ने अफशा अंसारी समेत अतीक और अशरफ की पत्नियों की भी तलाश और तेज कर दी है। शाइस्ता परवीन फरार, जैनब फातिमा फरार, अफशा अंसारी फरार, ये तीनों महिलाएं फरार हैं और पुलिस को उनकी तलाश है। यूपी के माफियाओं की राजदार शाइस्ता, जैनब और अफशा, इन तीनों के पति के गुनाहों का अंत हो चुका है और अब उनके काले साम्राज्य को बढ़ाने वाली इन महिलाओं की भी पुलिस को तलाश है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो या अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब या फिर मुख्तार अंसारी की बेगम अफशा अंसारी, इन तीनों पर ही कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस की गिरफ्त से तीनों ही दूर हैं। इस बीच खबर ये है, पुलिस मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार शाइस्ता, जैनब और अफशा अंसारी की तलाश अब और तेज कर दी गई है। इसके लिए नए सिरे से पुलिस जल्द अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी यूपी पुलिस की वांटेड और 75,000 की इनामी है, जिन पर 12 केस दर्ज है। तो वही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर भी 50,000 का इनाम है। इसके अलावा अशरफ की पत्नी जैनब पर भी कई केस दर्ज हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की। उम्मीद की जा रही थी कि अफशा अपने पति के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी, लेकिन वो नहीं पहुंची और वांटेड होने की वजह से उसमें शामिल नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश और तेज कर दी है। अफशा अंसारी पिछले एक साल से फरार है और उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। उस पर गाजीपुर जिले से 50,000 और मऊ पुलिस की तरफ से 25,000 का इनाम घोषित है। अफशा पर गाजीपुर, मऊ से लेकर लखनऊ तक फर्जी तरीके से भूमि पर कब्जा करने, रसूख के दम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर आर्थिक लाभ लेने जैसे कई केस दर्ज है। इसके अलावा जबरन रजिस्ट्री का केस भी अफशा के खिलाफ दर्ज है। 2005 में मुख्तार अंसारी जब जेल चले गए तो ऐसा दावा किया जाता रहा कि अंसारी गैंग की कमान अफशा अंसारी ही संभालती है। शादी से पहले अफशा पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी समेत अलग अलग कई मामले दर्ज हैं। मुख्तार के जेल जाने के बाद अंसारी गैंग अफशा के ही इशारे पर काम करता था। वहीं अगर यूपी के माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की बात की जाए तो दोनों की हत्या को एक साल बीतने वाला है, लेकिन दोनों की ही पत्नियां अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक अब उसने शाइस्ता और जैनब के साथ नूरी की तलाश भी तेज कर दी है। कई बार पुलिस को शाइस्ता परवीन की लोकेशन तो मिलती है, मगर शाइस्ता नहीं मिलती। वो हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग जाती है। अभी कुछ हफ्ते पहले पुलिस को सूचना मिली कि शाइस्ता परवीन और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब दोनों प्रयागराज में हैं। खबर मिलते ही पुलिस ने प्रयागराज के चकिया और हटवा गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। अतीक के करीबियों के घरों की तलाशी ली गई। चकिया आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई, मगर शाइस्ता हाथ नहीं आई। ये पहला मौका नहीं जब शाइस्ता की तलाश में छापे मारे गए हों। इस लेडी माफिया को पकड़ने के लिए पुलिस उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जा चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद भी पुलिस गई, महाराष्ट्र में भी दबिश दी गई, हरियाणा में भी छापेमारी हुई, दिल्ली तक भी टीम गई, मगर फिर भी पुलिस को शाइस्ता का कोई सुराग नहीं लगा। शाइस्ता को सिर्फ अतीक की पत्नी होने की वजह से टारगेट नहीं किया जा रहा, दरअसल अतीक के काले कारनामों में शाइस्ता भी उसका बखूबी साथ देती थी।
अतीक की माफिया बेगम पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। उस पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगा है। अतीक ने साबरमती जेल से उमेश के कत्ल का जो प्लान बनाया था उसे अंजाम तक पहुंचाने में शाइस्ता ने अहम रोल निभाया और अब इतना सब कुछ करने के बाद भी शाइस्ता खुली हवा में सांस ले रही है। माना जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद से शाइस्ता ही चोरी छिपे उसके बिजनेस को चला रही है। वहीं अशरफ की पत्नी जैनब पर भी वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने का आरोप है और पुलिस जल्द ही उस पर भी इनाम घोषित करने का ऐलान करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब अगली खबर उन दो बेटियों से जुड़ी जो अपनी राजनीति में एंट्री से बेहद चर्चा में है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ने वाली है तो वहीं बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी भी समस्तीपुर से चुनावी मैदान में है। अपने मंत्री पिता के गले लग टिकट मिलने की खुशी का इजहार करती ये है इस लोकसभा चुनाव के सबसे युवा चेहरों में से एक शांभवी चौधरी। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को जैसे ही टिकट मिलने का ऐलान हुआ वो अपने पापा के गले मिलकर भावुक हो गई। शांभवी 25 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है और उन्हें LJPR ने समस्तीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। शांभवी के नाम के ऐलान के बाद से ही वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। इतने जल्दी राजनीति में आने का सोचा तो था पर हाँ इतने जल्दी ब्रेक मिलेगा ये नहीं सोचा था। शांभवी चौधरी ने पहली बार राजनीति में कदम रखा है। फिलहाल वो ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ऑनररी डायरेक्टर है, साथ ही मगध यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। शांभवी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की बेटी और पूर्व IPS किशोर कुणाल की बहू हैं। शांभवी ने UPSC की तैयारी भी की थी लेकिन कोरोना की वजह से आगे परीक्षा नहीं दे पाई। इतना ही नहीं, शांभवी छात्र समय से ही राजनीतिक चर्चा में शामिल भी होती रही है। बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है, मेरा सपना पूरा हुआ है, मेरे परिवार के सभी लोग का सपना पूरा हुआ है। और जहाँ तक बात रहा लोजपा से इलेक्शन लड़ने का, तो बात यह कि चिराग भैया एक युवा है और हम उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। चिराग भैया का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, उससे बहुत प्रभावित रहते हैं। उनका जो राजनीति में योगदान रहा है और जिस परिस्थिति से वो अपनी पार्टी को और अपने आप को निकाले हैं उससे, मतलब हम उम्मीद करते कि भगवान हमको भी ऐसी शक्ति और ऐसी हिम्मत दे। उन पर भरोसा, उनके विजन पर भरोसा है, पार्टी के विजन पर भरोसा है, इसीलिए लोजपा ज्वाइन किया। वहीं अपनी बेटी को टिकट मिलने पर पिता अशोक चौधरी ने भी बेहद खुशी व्यक्त की है। राग जी ने कंसिडर किया है उसको, समझते हैं कि NDA के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए हम समझते हैं कि चिराग जी का भी धन्यवाद है, अपने नेता का भी धन्यवाद है कि सब लोगों ने समझा उसको इस तरह से लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव हो रहा है, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हम लोग सब उसी के लिए प्रयासरत हैं, खुशी का पल है। वहीं चुनावी दौर में एक और बेटी जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है वो है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। मीसा भारती के बाद रोहिणी लालू यादव की दूसरी बेटी है जो चुनावी मैदान में उतरी है और अपने अभियान की शुरुआत रोहिणी ने पूजा पाठ से की। लालू प्रसाद यादव आज चुनावी अभियान की शुरुआत से पहले रोहिणी समेत पूरे परिवार को लेकर हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे जहाँ जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। रोहिणी आचार्य का ये पहला चुनावी अभियान है। रोहिणी अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के बाद बहुत सुर्खियों में आई थी। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार रोहिणी आचार्य को सारण सीट पर उम्मीदवार बनाया है। ये वही सीट है जहां से लालू यादव ने अपना आखिरी चुनाव लड़ा था। इस सीट पर उनका मुकाबला BJP के राजीव प्रताप रूड़ी से होगा जो अभी वहाँ के मौजूदा सांसद है। वही राजीव प्रताप रूड़ी भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। मैं पहले भी लालू यादव जी के खिलाफ लड़ चुका हूँ और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी के खिलाफ लड़ चुका हूँ, उनसे भी जीत चुका हूँ या वो मुझसे हार चुकी हैं। उनके समधी से मैं लड़ चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ। बाकी आगे का जो भी फैसला है जनता करेगी
और हम में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम लोग एक साधारण सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं, जिसका मौका फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बना के दिया। वही इसके पहले रोहिणी को टिकट देने की चर्चा के बाद रोहिणी के नाम पर सम्राट चौधरी का एक बयान भी खूब विवादों में रहा था। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया, यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। रोहिणी से पहले लालू परिवार में उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके तीन बच्चे मीसा भारती, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। मैं जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील होते हैं तो वो किस तरीके की रियायत की जो है मांग करते हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को इस तरीके की अतिरिक्त रियायत देनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में लगातार जो है वो अगर दिल्ली की जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं, सरकार ना चलाने को लेकर कोई कानून नहीं है, तो वो उनको। प्रमोद शर्मा, दिल्ली शराब घोटाले की अगर बात करें तो अन्य आरोपी जो हैं क्या वो भी तिहाड़ जेल के अंदर, किस जेल के अंदर हैं, क्या उनसे अलग रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को? जी बिल्कुल, जो जेल के अंदर कैदी जाता है तो उसके अल्फाबेटिकल, जो नाम का अल्फाबेटिकल होता है उसके हिसाब से उन्हें भेजा जाता है, या फिर सुरक्षा के लिहाज से उन्हें किसी दूसरी जेल में भी शिफ्ट किया जाता है, ऐसी जगह पे रखा जा सकता है जहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हो। जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है, सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ईडी उनकी जो कस्टडी है उसे आगे बढ़ाने की अपील दाखिल नहीं करेगी, ऐसे में न्यायिक हिरासत की मांग करेगी ईडी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आगे बढ़ाने का इस समय कोई जो प्रक्रिया है वो नहीं चल रही है और दिल्ली पुलिस की टीम ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। लगातार हलचल तेज है इस समय राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर, अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है और सूत्रों के हवाले के से मिल रही जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल के जेल नंबर 5 के अंदर अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है, ऐसे में माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है और अगर वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं तो वो ईडी दफ्तर की बजाय तिहाड़ जेल में रहेंगे, यानी मजिस्ट्रेट की कस्टडी के अंदर अरविंद केजरीवाल होंगे और तिहाड़ जेल में अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, और जेल नंबर 5 में उन्हें रखने की तैयारी की गई है। तो तिहाड़ जेल के जेल नंबर 5 के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखने की तैयारी हो रही है, ईडी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। और देखिए, आज क्या तिहाड़ जाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये सवाल बरकरार है, नजरें कोर्ट पर लगी हुई हैं, जमानत नहीं मांगेगी अरविंद केजरीवाल की, और दूसरी बात ईडी की तरफ से भी जमानत की जो कस्टडी है उसे बढ़ाने की मांग नहीं की गई है, तो ऐसे में दोनों ही तरफ से, ना तो अरविंद केजरीवाल ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है और वहीं ईडी की तरफ से भी कस्टडी को बढ़ाने के लिए कोई मांग नहीं की गई है, और कस्टडी नहीं मांगने के मायने क्या है? नमस्कार, आपके साथ मैं प्रणय उपाध्याय और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का खास शो डेटा बाबू। डेटा बाबू आंकड़ों का वो दस्तावेज जो सच की तह तक जाता है और आपके सामने खबरों का सटीक विश्लेषण रखता है। तो चलिए जल्दी से अब आपको बताते हैं कि डेटा बाबू आज आपके लिए क्या लेके आए। आज करेंगे डेटा बाबू में बात बूढ़े और जवान की बहस की। जब दुनिया बूढ़ी हो रही है तब भारत जवान हो रहा है और इसीलिए चुनावी मौसम में भारत के युवाओं की बात जरूरी हो जाती है। 2024 के आम चुनावों में 20 करोड़ युवा मतदाता हैं और इनकी अहमियत भारत के चुनाव में सबसे अहम मानी जा रही है, जबकि इनमें से करीब 2 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर है, यानी ऐसे मतदाता जो पहली बार 2024 में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अग्निवीर योजना का विरोध सबसे ज्यादा यूपी में क्यों हुआ, बिहार के कुछ इलाकों में क्यों हुआ? नौकरी को मुद्दा बनाकर बिहार में कैसे तेजस्वी यादव ने MY समीकरण के आगे की लकीर खींच दी? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में आपकी मदद करेगा डेटा बाबू। साल 1997 से 2012 के बीच जन्मे बच्चों को जेंजी कहा जाता है, जिनकी उम्र 12 साल से 27 साल के बीच है। IIPMAPS के मुताबिक बिहार की आबादी में 33% जेंजी की आबादी है। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए, जो आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो वहां 30% जेंजी की आबादी है। इसके अलावा राजस्थान में 29 तो मध्य प्रदेश में 28% जेंजी की आबादी है। वहीं झारखंड में जेंजी की आबादी 30 और छत्तीसगढ़ में 28% है।
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बनाम दक्षिण की बहस भी खूब हो रही है, तो दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में जेंजी की आबादी ज्यादा है। और बात सिर्फ इन छह राज्यों की करें तो यहां लोकसभा की 199 सीटें हैं, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में युवा एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस युवा न्याय गारंटी का वादा कर रही है। अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें तो उसका पैटर्न भी जेंजी आबादी वाले इन राज्यों से गुजरने वाला नजर आता है। आर के अंदर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों की बैठक हो चुकी है, बाकायदा तैयारियां हो रही है जेल नंबर 5 में। जी बिल्कुल, अगर ईडी जो है कस्टडी की मांग नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और किस जेल में उन्हें रखा जाएगा उसको लेकर दो बार जो है हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है, दो दिन तक हुई है और आज भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है कि उन्हें कहाँ पर रखा जाएगा। और क्योंकि एक बार कोई भी प्रिजनर अगर जेल के अंदर आ जाता है तो उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही सब कुछ चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन अगर आज ये देखना होगा कि जब जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जाता है तो क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो किसी अतिरिक्त सुविधा या फिर रियायत की मांग कोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर पे ही उनको जो है जेल के अंदर जो अतिरिक्त सुविधाएँ या फिर जो कोर्ट की डायरेक्शन होती है उसको वो जेल प्रशासन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। तो किस तरीके की जो मांग है वो अरविंद केजरीवाल के वकील जो है वो कोर्ट से करेंगे ये भी देखना होगा। बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में सवाल ये भी बरकरार है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये रुख बरकरार रखे हुए हैं कि जेल से सरकार लगातार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो निर्देश भी जारी करते रहे, अब तक दो महत्वपूर्ण निर्देश उन्होंने जारी किए हैं, तो ऐसे में अगर वो तिहाड़ जाते हैं कोर्ट के आदेश के बाद तो क्या उसके लिए भी इजाजत मांगी जा सकती है? जेल मैनुअल क्या कुछ कहता है? क्या इस तरीके से इससे पहले कोई प्रक्रिया रही है? देखिए बिल्कुल, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल के अंदर जो मिलने का वक्त होता है किसी भी भारी व्यक्ति से या परिवार के सदस्य से वो 10 लोगों की लिस्ट जो है जो कैदी है वो जेल प्रशासन को देता है और हफ्ते में दो दिन ही 3 घंटे के लिए जो मिलाई है वो होती है और वो भी एक इस तरीके से मिलाई होती है कि आमने सामने दोनों एक दूसरे से टच नहीं कर पाते हैं, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में इस मुलाकात को करवाया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट इस बात की परमिशन देता है कि चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं और उनके वकील अगर ये लगाते हैं कि उन्हें लगातार मिलना है, उनको अतिरिक्त जो है मिलने की के जो कोर्ट है डायरेक्शन दे, तो उसके बाद कोर्ट उस पर विचार करके परमिशन दे सकता है कि अगर वो बीमार है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर के पेशेंट है, उनको दवाइयां जो है वो मुहैया कराई जाए और साथ में घर का खाना मुहैया कराए, तो ऐसी कई सारी रिलीफ है जो वो कोर्ट दे सकता है। ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन जो एप्लीकेशन पे किस तरीके की डायरेक्शन देता है। आज यही देखना होगा कि जब ईडी की तरफ से ईडी के वकील है वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं कि 10 दिन की टोटल जब से गिरफ्तारी हुई है 10 दिन की रिमांड पे थे, किसी भी कैदी को किसी भी आरोपी को 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड पे लिया जा सकता है, तो 4 दिन की रिमांड जो है वो ईडी जो है वो वक्त को बताना चाहेगी कि अगर कभी कोई सबूत आते हैं और किसी को लेकर कुछ जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है या फिर कन्फ्रंट अरविंद केजरीवाल से कराना चाहते हैं तो कोर्ट की परमिशन से वो 4 दिन की रिमांड ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ईडी बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ में, साथ ही अरविंद भी लगातार जुड़े हुए हैं। और इस समय का बड़ा अपडेट बता दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम और अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने वाली है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल मांग नहीं रखने जा रही है कोर्ट के सामने, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी हलचल है इस समय और साथ ही तैयारी हो रही है इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो रही है ईडी की टीम, अब से थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये तस्वीरें उस समय की जब ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार लेकर करके और ईडी दफ्तर लेकर आए थे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का भी। अरविंद, अगर आज की सुनवाई का रुख किया जाए तो कितनी बजे पेशी होनी है? करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कितनी लंबी चल सकती है आज की ये सुनवाई? देखिए 11:30 बजे का वक्त है, कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा
और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं, तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात ये कि अब जुडिशल कस्टडी में जाएंगे तो दो रास्ते खुलते हैं, अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत अर्जी दाखिल करने का, और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का। क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई कोर्ट में बाद में इजाज़त मांगती है पूछताछ करने की, और सीबीआई गिरफ्तार कर फिर कस्टडी मांगती है, फिर दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। फिर उनको दोनों मामलों में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। अरविंद और शराब घोटाले मामले की जो पहली जांच है वो शुरू ही की थी सीबीआई ने, और इस पूरे मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। तो सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है अदालत के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा और अरविंद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, जरा बताइएगा कि अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तिहाड़ में, जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, साथ ही ये सुरक्षा का भी सवाल होगा, तो ऐसे में किस सुरक्षा के साथ में उन्हें वहां पर रखा जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था और इंतजाम? देखिए बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ से तिहाड़ जेल भेजा जाता है जुडिशल कस्टडी में, तो संभवतः वो 5 नंबर जेल में रहेंगे, और उस जेल में खासतौर पे हाई लेवल मीटिंग ही जेल प्रशासन ने, जिसमें खुद डीजी तिहाड़ शामिल थे, वो उन्होंने करी है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से बिल्कुल जो उनका सेल होगा या आसपास के जितने सेल होंगे उनमें कैसे किन कैदियों को रखा जाना चाहिए या फिर उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है तिहाड़ प्रशासन के ऊपर होगी, और ऐसे में उसको लेकर जो मीटिंग की गई है, और उसके बाद बिल्कुल प्रमोद आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो चुकी है ईडी की टीम, बस थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाना है, राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनकी पेशी होनी है, और सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ वहां पर। देखिए गाड़ियों का काफिला किस तरीके से भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के अधिकारी रवाना हुए हैं, ये पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की, और ऐसे में सवाल कई बरकरार हैं। कस्टडी नहीं मांगने के आखिर मायने क्या है? क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्योंकि इससे पहले कहा जाता रहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्या तमाम सबूत और सुराग जो जुटाने की कोशिश कर रही थी ईडी, क्या ईडी को अहम सबूत मिल चुके हैं? यह सवाल भी बरकरार है। क्या सभी कड़ियां जोड़ने में कामयाबी ईडी को हासिल हो चुकी है? वो तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद, जरा बताइएगा कि ये जो भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ में रवाना हुई है टीम, जाहिर तौर पर अगर तिहाड़ तक उन्हें ट्रांसफर किया जाना है तो ऐसे में भी पुलिस की तरफ से भारी पुलिस व्यवस्था और इंतजाम किए गए होंगे वहां? बिल्कुल, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है तमाम पुलिस के जवान और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, और इसके लिए के पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आगे किसी तरीके का ना कर पाए, क्योंकि जैसे ही अगर अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में भेजा जाएगा तो उसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की जो लॉकअप है उसके अंदर जमा करा दिया जाएगा, और शाम को जब बाकी कैदी जो यहाँ पर आते हैं या फिर जो एक पुलिस की प्रोटेक्शन में एक सुरक्षित वाहन में उनको ले जाकर जो है तिहाड़ के अंदर जमा करा दिया जाएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उनकी तलाशी के बाद उनको 5 नंबर जेल के जिस बैरक में वहाँ रखा जाना है वहाँ पे उनको रखा जाएगा, और जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे उसको पढ़ने के बाद जो तिहाड़ प्रशासन है उस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे करेगा कि कोई अतिरिक्त राहत की बात या रियायत जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगी गई होगी, वरना उन्हें जो एक आम प्रिजनर की तरह जो है जेल मैनुअल के हिसाब से ही रहना होगा। महत्वपूर्ण जानकारी देने प्रमोद, जरा आप इसे स्पष्ट कीजिएगा कि आज अगर अभी आदेश आ भी जाता है तो जेल में केजरीवाल ने मांगी रामायण और गीता, उनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने कहा केजरीवाल ने कहा सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर।
आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। दिलीप पांडे बोले, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश, बीजेपी का पलटवार, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त। केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले। विवादित बयानों पर चुनाव आयोग की बीजेपी कांग्रेस को चेतावनी, सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष के बयानों पर रखी जाएगी नजर, राहुल की शिकायत लेकर पहुंची बीजेपी। धार में भोजशाला के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार, लेकिन सर्वे के दौरान नहीं होगी खुदाई। जी न्यूज पर रात 9 बजे अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़े राज से उठेगा पर्दा, देखिए रात 9 बजे डीएनए। आजाद भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी। केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया। इधर गठबंधन के आपके लिए जुटा रहा हूं, मैं क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के, तो तुम लोगों को तुम कभी पकड़ सकते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजने की तैयारी चल रही है। इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से अपडेट यह है कि वहां पर वैन जो है वो तैनात कर दी गई है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा। राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा है। तिहाड़ जेल की वैन में 10 अधिकारी मौजूद हैं और इसी वैन के जरिए तिहाड़ जेल भेजा जाएगा अरविंद केजरीवाल को थोड़ी देर में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे, उन्हें तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा और अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल को अदालत से तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। तिहाड़ जेल की वैन वहां पर पहुंच चुकी है, 10 अधिकारी बताया जा रहा है कि इस वैन के अंदर मौजूद है और इसी वैन के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट से कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाएगा। और अरविंद केजरीवाल से जुड़ी तीन बड़ी खबरें अब हम आपको दिखाते हैं। पहली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। दूसरी अहम खबर, इस मामले में पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया है। पहली बार ये नाम लिया गया, कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में, आपको विस्तार से बताएंगे। और तीसरी खबर यह है कि सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा हमला बोला और कहा कि जनता इस तानाशाही का जवाब जरूर देगी। तो तीन तस्वीरें और तीन अपडेट इस वक्त आपके सामने हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर के बाद तिहाड़ के लिए भेजे जाएंगे। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत को मंजूरी दी है। 14 दिन की जेल अरविंद केजरीवाल के लिए अभी के आदेश के हिसाब से दिया गया है। और एक और अहम खबर यह है कि सुनीता केजरीवाल ने बड़ा हमला बोला है सरकार के ऊपर और कहा है कि जनता सरकार की इस तानाशाही का जवाब देगी। चुनाव के समय केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया, जेल में डालना ही उनका मकसद है, यह कहा है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने। ग्यारह दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसे में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब दे रही है। और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। आज उनसे एक सवाल पूछा गया जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है।
और सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल अभी दोषी साबित नहीं हुए तो उनको जेल में क्यों डाला गया, इस तानाशाही का जवाब जनता देगी। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, राजस्थान के जोधपुर में अमित शाह की रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। शाह बोले हैं कि विपक्ष को परिवार की चिंता है, जो घोटाले करेगा वो जेल जाएगा, ये अमित शाह ने कहा है। राजस्थान के जोधपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, और इस दौरान उन्होंने परिवारवाद पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को केवल अपने परिवार की चिंता है, और यह भी कहा कि जो भी घोटाले करेगा वो जेल जाएगा। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो, कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। और इस मामले में पहली बार ऐसा हुआ है जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया गया है। ईडी के वकील ने इन दोनों का नाम लिया, एएसजी ने आतिशी और सौरभ का नाम लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतिशी और सौरभ को नायर की रिपोर्टिंग थी, ये ईडी के द्वारा कहा गया है। एएसजी ने यह दावा किया है कि ये जो बात हम रख रहे हैं अदालत के सामने, दरअसल ये अरविंद केजरीवाल ने ईडी को पूछताछ के दौरान बताया है, और केजरीवाल के हवाले से एएसजी ने अदालत के अंदर ये दावा किया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था, विजय नायर की रिपोर्टिंग थी, ये ईडी ने बताया है। ईडी के वकील ने अदालत को बताया है कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था, विजय नायर की रिपोर्टिंग आतिशी और सौरभ भारद्वाज को थी, और ये किसके बयान के आधार पर बताया गया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अरविंद केजरीवाल ने ईडी को बताया है, ऐसा दावा ईडी की तरफ से किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि विजय नायर तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त प्रमोद शर्मा जुड़े हुए हैं, सीधे हम दोनों की तरफ चलते हैं। पहले अरविंद के पास चल रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त वो मौजूद हैं। अरविंद, कितनी देर के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलेगी वैन? देखिए, कुछ ही देर बाद उम्मीद है राम कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के वैन यहाँ से निकल जाएगी और उन्हें सीधा तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। हालांकि कुछ देर पहले जो बाहर सिक्योरिटी में लोग मौजूद थे इंस्पेक्टर लेवल के, उनको भी भ्रम की स्थिति हो गई थी, उनको लगा था कि शायद अरविंद केजरीवाल निकल गए और बैरिकेड भी यहाँ से हटा दिए गए, लेकिन अंदर से फिर कम्युनिकेशन आया और बाद में पता चला कि अरविंद केजरीवाल अभी कोर्ट रूम में ही है, कुछ देर बाद उनको निकाला जाएगा यहाँ से। बिल्कुल, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये राम की जी, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के जहाँ तक बयान की बात है, उनके नाम की बात है, उसमें ईडी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखती जो अरविंद केजरीवाल उनके नाम को लेकर के कह रही हैं। ईडी की तरफ से साफ किया गया है कि अरविंद केजरीवाल से 9 बार पूछताछ हुई है इन 10 दिनों के अंदर, 9 बार उनके बयान दर्ज हुए और हर बार उन्होंने जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की है। उसके बाद ईडी ने कहा है कि उसका एक उदाहरण आप इससे समझ लीजिए कि विजय नायर के बारे में जब उनसे पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे और उनकी बहुत कम जानकारी होती थी। लेकिन ईडी आगे लिखती है कि विजय नायर ने खुद ये बयान दिया है कि वो एक कैबिनेट मंत्री के घर पर रहता था, वो सीएम के कैंप ऑफिस से काम करता था, और जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि एक ऐसा शख्स अगर वो आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को रिपोर्ट करता है तो फिर वो किस हैसियत से सीएम के कैंप ऑफिस में रह रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने इसका कोई सीधा सीधा जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि सीएम के कैंप ऑफिस में कौन रहता है इसकी उनकी जानकारी नहीं है। इसके बाद ईडी कहती है कि जब अरविंद केजरीवाल को विजय नायर के व्हाट्सएप चैट दिखाए गए जो इस बात की तस्दीक करते थे कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी बातचीत लगातार होती रहती थी, तो इसके बारे में भी अरविंद केजरीवाल ने कोई सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि ईडी की ओर से एएसजी जो कह रहे हैं वो दरअसल ये एक बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये बात कहकर
कि विजय नायर उन्हें उनके बजाय आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, एक तरीके से जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और कम से कम ईडी का जिस तरीके की टोन है इस पूरे मामले को लेकर के जो उनकी एप्लीकेशन में नजर आती है, उससे लगता है कि ईडी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखती। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौट कर आता हूं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पूरी आम आदमी पार्टी घोटाले में मदहोश है। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। तो ये देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अब तरह तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। और इन सबके बीच एक सवाल यह है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। जेल मैनुअल क्या कहता है, हफ्ते में दो बार परिवार से मिल सकते हैं, यह नियम कहता है। अड़चन क्या है, सिर्फ परिवार से मिलेंगे तो मंत्रियों से कैसे मिलेंगे, और जब तक मंत्रियों से मिलेंगे नहीं किसके साथ मंत्रणा करेंगे, कैसे आदेश देंगे, कई चीजें हैं। जेल मैनुअल यह कहता है कि फोन पर बात के लिए 10 नाम देने होंगे, 10 लोगों से आप बात कर सकते हैं। अड़चन क्या है, मुख्यमंत्री को सैकड़ों लोगों से बात करनी होती है, कई अधिकारियों से बात करनी होती है। जेल मैनुअल यह कहता है कि कैदी को मिलने की तारीख बतानी होगी कि कब आप मिलेंगे, किससे मिलेंगे। सरकार चलाने के लिए अक्सर बैठकें होती हैं, कई बार इमरजेंसी मीटिंग भी लेनी पड़ती है, हालात सिचुएशन दिल्ली के क्या हैं उसके हिसाब से तय करना होता है कि बैठक कब होगी, ये तारीख कैसे मुकर्रर हो पाएगी। जेल अधिकारी देता है मिलने की इजाजत, ये जेल मैनुअल कहता है, और कैबिनेट बैठक के लिए बार बार इजाजत मिलना मुश्किल है। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक मिलने की इजाजत होती है, ये जेल मैनुअल कहता है। ऐसे में मंत्री अधिकारी विधायक बार बार अरविंद केजरीवाल से कैसे मिल पाएंगे, ये एक सवाल है। कैदी कोई फाइल साइन नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी बात है जो जेल मैनुअल कहता है। मुख्यमंत्री सरकारी फाइलों पर सिग्नेचर कैसे करेंगे और उनके बिना साइन के सरकार कैसे चलेगी, ये एक बहुत बड़ी अड़चन है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी जो कानूनी विशेषज्ञ हैं या दिल्ली के एलजी का जो बयान आया था उसको लेकर चर्चा बार बार हो रही है। इन सब के बीच आपको हम ताजा अपडेट बताते हैं क्योंकि प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। प्रमोद, अब तिहाड़ में रखने की तैयारी है अगले 14 दिनों तक, और जेल मैनुअल की बात हम कर रहे हैं, उनके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन पहले जरा बताइए कौन सा रूट यहां से अख्तियार कर रही है और जो वैन वहां पर पहुंची है तिहाड़ के कितने अधिकारी उसमें मौजूद हैं। देखिए, जेल वैन से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा और इस वक्त हम दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद हैं। इसी मार्ग पर राउज एवेन्यू कोर्ट भी है, आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है और बीजेपी मुख्यालय भी है। यहीं से जेल वैन में अरविंद केजरीवाल को लेके आया जाएगा और ये मिंटो ब्रिज से होते हुए तिहाड़ जेल की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से वैन निकलेगी, उसी के बाद जो है वायरलेस पे मैसेज फ्लैश होगा और इस पूरे रूट को जो है वो सिक्योर कर दिया जाएगा ताकि किसी तरीके की ट्रैफिक में जो है अड़चन ना आ पाए और जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल पहुंचाया जा सके। तिहाड़ जेल में भी 2 नंबर जो जेल है उसमें पूरी तरीके से उसे सैनिटाइज किया गया है। अरविंद केजरीवाल 2 नंबर जेल में रहेंगे, इससे पहले संजय सिंह 2 नंबर जेल में रहते थे, जिन्हें कुछ दिन पहले ही 5 नंबर जेल में शिफ्ट किया गया है।
दो नंबर जेल में बहुत ज़्यादा खूंखार या फिर गैंगस्टर वो कैदी वहाँ पे नहीं रहते, वहाँ पे जो है सेपरेट सेल है और काफ़ी बड़ी और साफ़ सुथरी जेल है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को दो नंबर जेल में रखा जाएगा। 24 घंटे CCTV से उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। आपके पास कुछ अपडेट के लिए वापस लौट कर आता हूँ, क्योंकि लगातार बयानबाजी भी जारी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऋतुराज झा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश हो रही है। दरियापुर में 9:15 के आसपास जब मैं एक शादी अटेंड करने के लिए गया, 3-4 लोग मुझे एक तरफ ले गए, मुझे बैठाया और मुझसे कहा कि देखो दिल्ली के अंदर अगर आप लोग नहीं मानोगे, हम आपको बार बार फोन पे कोशिश कर रहे हैं मनाने की, बताने की, अगर आप नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं, आप मान जाओ, आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई, कोर्ट में ये बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। और केजरीवाल को जेल भेजे जाने पर बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बांसुरी स्वराज जी। मैम, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल जी, इसका अर्थ है कि इस देश की जो कचहरी है उसने सारे के सारे तथ्य देखे हैं, सारे के सारे सबूत देखे हैं, ईडी की दलील सुनी है और उसके बाद उनको ये लगा है कि ये बेल के लिए फिट केस नहीं है, कंटिन्यूड कस्टडी के लिए केस है और इसीलिए जुडिशियल कस्टडी में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया। एक और चीज है कि आज कोर्ट में एक और बात सामने आई कि सौरव भारद्वाज और आतिशी का भी नाम आया है कि जो रिपोर्ट की जाती थी विजय नायर के द्वारा वो डायरेक्ट केजरीवाल को नहीं, वो यहाँ सौरभ भारद्वाज और आतिशी को किया था, ये बात जो मैंने मीडिया से खबर सुनी है उससे लग रहा है कि ये दावा स्वयं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करा है, तो अगर ऐसा है तो इसकी भी जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अचंभा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने बाकी साथियों को भी इसमें दोषित मान रहे हैं, क्योंकि वो इतने लापरवाह नेता हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ा था कि मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ा था कि संजय सिंह जी जेल में हैं और वो तो भी केवल अपने आप को बचाने के लिए जांच एजेंसियों से भाग रहे थे, जांच में नहीं जुड़ रहे थे। 9 समन्स का उन्होंने निरादर कर ईडी को विवश करा कि उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए लेके जाएं। कल इंडी गठबंधन का यहाँ रैली भी हुई थी, रामलीला मैदान में रैली हुई थी, प्रधानमंत्री के ऊपर भी काफी ज्यादा टारगेट किया गया। बड़ी विनम्रता से कहूंगी, रैली नहीं थी, भ्रष्टाचार का फ्लॉप शो था। रैली शब्द शर्मसार होगा, किसी भी शब्दकोश को खोलकर देख लीजिएगा, हम सब ने वो वीडियो देखा है जहां पर माननीय राहुल गांधी जी अपना उद्बोधन दे रहे थे, कुर्सियां बिल्कुल खाली हैं, यहां तक कि उस रैली में मुद्दे का समन्वय तक ये गठबंधन नहीं बना पाया। गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, एक दूसरे को भी ठग रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही थी कि रैली इसलिए करी जा रही है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के विरोध में, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही थी कि नहीं, ये रैली किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये रैली उन्होंने करी है पूरे इंडिया अलायंस की। लेकिन हाँ, विपक्ष के पास कोई मुद्दे तो है नहीं, हमेशा अभद्र भाषा में केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर दोषारोपण कर रहे हैं जो एक विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूं, इनकी प्रत्येक चोट का जवाब होगा जनता जनार्दन का वोट, और देख लीजिएगा 2024 के जो परिणाम होंगे इलेक्शन में, अब की बार 400 पार। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, 15 अप्रैल तक भेजे गए जेल। थोड़ी देर में केजरीवाल को भेजा जाएगा तिहाड़ जेल, राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर दिखी कड़ी सुरक्षा। केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जा सकता है, सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। सीएम केजरीवाल ने रामायण गीता समेत 3 किताबें मांगी, वकील बोले दवाएं भी मुहैया कराई जाएं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा जनता तानाशाही का जवाब देगी। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की साजिश।
आम आदमी पार्टी विधायक ऋतुराज ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, कहा 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा दिल्ली को लूटने वालों को भेजा गया जेल। ईडी की सुनवाई में पहली बार सामने आया आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। ईडी ने कहा केजरीवाल बोले सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में ही होगा मेडिकल, बीपी और शुगर को चेक करेगी डॉक्टर्स की टीम। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में पूजा रोकने की मांग की। सुनवाई के दौरान ESG बोले केजरीवाल ने सवालों का जवाब नहीं दिया। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा वार, कहा एजेंसियों का हो रहा है दुरुपयोग। आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे बोले देश भर में चलाया जा रहा ऑपरेशन लोटस, विधायकों को तोड़ने की हो रही कोशिश। आम आदमी पार्टी का दावा, कहा केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना है मकसद, दिल्ली में रची जा रही बड़ी साजिश। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा केजरीवाल के गुरु अब लालू यादव। बीजेपी का केजरीवाल पर प्रहार, कहा अब आया असली चेहरा, कोर्ट का आदेश तथ्यात्मक आधार पर। दिल्ली में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक, मैनिफेस्टो पर जनता से मांगे सुझावों पर मंथन, राजनाथ सिंह भी मौजूद। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी पार्टी का स्थापना दिवस, देश भर में होगा कार्यक्रमों का आयोजन। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया अश्विनेत और दिलीप घोष को चुनाव आयोग की चेतावनी, दोनों ने दिए थे विवादित बयान। कच्चा थीवू के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के परिवारवाद पर उठाए सवाल, कहा 75 सालों से देश की अखंडता कमजोर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस डीएमके पर तंज कसा, कहा 50 साल पहले मछुआरों की एंट्री